हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुरु नीति। आज अपन अपना गुरु नीति का केमिस्ट्री का एपिसोड 9 स्टार्ट कर रहे हैं। माय नेम इज संजय अग्रवाल और मेरे साथ मैं हनुमान जांगिड। आज देखिए अपन आयोनिक इक्विलिब्रियम सेकंड में, आयोनिक इक्विलिब्रियम फर्स्ट अपन ने डिस्कस कर लिया था, उसमें बेसिकली अपन ने इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट के कौन कौन से फैक्टर जो है उसके डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन को अफेक्ट करता है, फिर अपन ने बात किया था एसिड बेस थ्योरी की और वाटर एंड पीएच तक अपन बात कर चुके हैं। पीएच नॉर्मल एसिड या फिर बेस या फिर एसिड और बेस का मिक्सचर दे रखा हो तो सर, इसका मतलब आज अपन बफर सॉल्यूशन, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट तीनों से रिलेटेड बात करेंगे। आज अपन बात करने वाले बेसिकली बफर के बारे में, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस और सॉल्युबिलिटी एंड इट्स सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। और मैं आज यहां से आपको कहना चाह रहा हूं सर, 2013 से लेकर 2020 तक के नीट के एग्जाम में सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड 100% ये क्वेश्चन आया हर बार। इसका मतलब ये अपन कह सकते हैं कि आज वाले लेक्चर से ये क्वेश्चन तो 100% तैयार हो जाएगा नीट 2021 के लिए भी सर। तो सर इसका मतलब आज वाले लेक्चर जो है उसमें अपने जो क्वेश्चंस रखे हैं वो सारे एग्जाम को ध्यान में रखते हुए। बिल्कुल सर, एग्जाम को ध्यान को रखते हुए रखे अपने, बिल्कुल सिंपल सिंपल से क्वेश्चन और लॉजिकल अप्रोच वाले जिससे एग्जाम में अपना काम बन जाए। चलो तो सर स्टार्ट करते हैं अपन अपना। बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है बेटा, ए सॉल्यूशन व्हिच इज 10^-3 एम ईच Mn+2 Fe+2 Zn+2 एंड Hg+2 is treated with aqueous solution of sulfide ion. If Ksp of this is this, then respectively, then which one will precipitate first? तो सर इसमें अपन को precipitation के लिए बात कर रहा है। तो सर इस question की अपन बात करते हैं। क्या करें सर इस question में? सर देखो, अगर आपको precipitate करवाना है ना, तो मैं दो चीजें बोलना चाह रहा हूँ कि solubility जो define होती है, first of thing, solubility saturated solution के लिए define होती है। Saturated solution का मतलब है कि कोई solute जो है वो सॉल्वेंट के एक फिक्स अमाउंट में या सॉल्यूशन के एक फिक्स वॉल्यूम के अंदर मैक्सिमम अमाउंट जब डिसॉल्व हो जाता है तो उसे अपन बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सर ऐसा मेरे को यहाँ पे एक रूल भी याद आ रहा है कि केएसपी सॉल्युबिलिटी के प्रोपोर्शनल होता है, प्रेसिपिटेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बिल्कुल सर, अगर आप, मैं ऐसा बोलूं कि अपने पास केएसपी जो आप लिखते हो, ये केएसपी जो आप लिखते हो, ये ओनली फोर जो है वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन के लिए लिखा जाएगा। जैसे अपन इक्विलिब्रियम में बात करते थे तो अपन बोलते थे केसी जो है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, और क्यूसी जो लिखते थे उसी की तरह यहाँ पे के आई पी लिखना है, ये आयोनिक प्रोडक्ट है और ये आयोनिक प्रोडक्ट जो होता है वो किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे आप डिफाइन कर सकते हो, सैचुरेटेड सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। सर जो समझा रहे हैं आपको, केएसपी केआईपी दोनों सेम थिंग है निकालने का तरीका, तो बट बेसिक डिफरेंस क्या है, केएसपी ओनली एंड ओनली सैचुरेटेड सॉल्यूशन के लिए फाइंड आउट होगा, जबकि अपन KIP जो बात करते हैं दैट इज द ओनली आयनिक प्रोडक्ट। ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अलावा भी अपन गिवन सॉल्यूशन में बात कर सकते हैं। बिल्कुल सर, और यहाँ पे हमको ये दोनों निकालने की रिक्वायरमेंट इसलिए पड़ी क्योंकि जब भी अपन प्रेसिपिटेशन या इसकी बात करते हैं तो हमको इसके तीन केसेस काम में लेने पड़ते हैं। केस वन की अपन जब बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि KSP इक्वल टू KIP हो, पहला केस आ जाएगा। मतलब तो सर ये हो गया कि आपने बोला कि किसी पर्टिकुलर टाइम पे आपने आयोनिक प्रोडक्ट कैलकुलेट किया और वो KSP के बराबर हो गया। इसका मतलब जब आप चेक कर रहे हो और KSP आ गया, इसका मतलब तो वो सॉल्यूशन सैचुरेटेड ही होना चाहिए। बिल्कुल सर, तो सर अपन ये बोल सकते हैं कि पहला केस KSP इज इक्वल टू KIP है तो अपन बोल सकते हैं कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सर ऐसा ही अपन सेकंड केस की इसमें बात करते हैं, सेकंड केस बोलते हैं केएसपी की वैल्यू केआईपी से अपनी ज्यादा आ जाए। इसका मतलब ये हो गया सर, अगर केएसपी की वैल्यू केआईपी से ज्यादा है तो मैंने जैसे केआईपी लिखा, ये जैसे सपोज करो ये कोई आयन की कंसेंट्रेशन थी और ये सेकंड आयन की कंसेंट्रेशन थी और इनका प्रोडक्ट था, तो अगर केआईपी की वैल्यू कम है, अगर केआईपी की वैल्यू कम है इसका मतलब जो मैक्सिमम अमाउंट डिसॉल्व होना था अभी उससे भी कम हुआ है। बिल्कुल सही, अगर उससे कम हुआ इसका मतलब सॉल्यूशन जो होना चाहिए वो अनसैचुरेटेड होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, तो सेकंड वाले केस में सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड हुआ तो सर इसका मतलब अपन ये बोल सकते हैं इस केस में सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी और जो सॉल्यूट होगा अभी और डिसॉल्व किया जा सकता है। सही बात है, किया जा सकता है। सही कह रहे हो सर, अनसैचुरेटेड होता है तो इसका मतलब ये होता है कि अभी इसमें और डिसॉल्व करवा सकते हैं। सर अपन यहां पे बोल सकते हैं ये सैचुरेशन की कंडीशन आ गई अपने पास, यहाँ पे सर अपन बोल दें कि ये अनसैचुरेशन की कंडीशन आ गई। बिल्कुल, और सर थर्ड केस की जो बात कर रहे हैं अपन, इस केस में अपन बोल सकते हैं कि अपना केएसपी जो है वो लेस देन है केआईपी से, तो इस केस को सर अपन सुपर सैचुरेशन बोल सकते हैं। अगर केआईपी ज्यादा आ गया इसका मतलब ये बात कंफर्म हो गई सर कि जितना मैक्सिमम डिसॉल्व होना चाहिए था उससे आयन ज्यादा है, तो सर ज्यादा हो गया तो इसका मतलब प्रेसिपिटेशन फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। प्रेसिपिटेशन के फॉर्मेट में आएगा कि जितना अमाउंट डिसॉल्व होना है वो तो हो ही जाएगा और जो एक्सेस अमाउंट होगा ना वो बॉटम में जाके पीपीटी बनाएगा। तो सर मैं कह सकता हूं यहां पे पीपीटी अकर्स हो जाएगा। बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। एक तो ये अपना हो जाएगा सुपर सैचुरेशन की कंडीशन, साथ में मैं इस कंडीशन के लिए कह सकता हूं
कि इस कंडीशन पे अपन बोल सकते हैं पीपीटी बनना स्टार्ट हो जाएगा। बिल्कुल सर, पीपीटी स्टार्ट हो। आप हाँ सही है सर। अगर मैं ऐसा बोलूं तो ऐसा भी बोल सकता हूं सर, जब केएसपी बराबर केआईपी हो तो इस कंडीशन पे अगर इससे एक ज्यादा ड्रॉप अगर ऐड करोगे तो प्रेसिपिटेट आ जाएगा। बिल्कुल, और इससे अगर एक कम ड्रॉप होगी तो प्रेसिपिटेट को आप रोक भी सकते हो। यही पॉइंट से अपने कई क्वेश्चन सॉल्व होंगे। बिल्कुल सर, कि केएसपी और केआईपी इक्वल है तब सैचुरेशन है। हाँ। इससे एक ड्रॉप भी ज्यादा डल गई अब तो प्रेसिपिटेट आ जाएगा, और एक ड्रॉप भी कम हुआ तो प्रेसिपिटेट प्रिवेंट हो जाएगा। बिल्कुल सर, अगर अपन को जस्ट ऐसा बोले कि जस्ट प्रेसिपिटेट आना चाहिए तो मिनिमम कंसेंट्रेशन क्या है केएसपी की इक्वली लेके उस समय सर इसके बराबर रखेंगे। बिल्कुल, जस्ट इससे एक ड्रॉप नेक्स्ट ड्रॉप पे जो है वो प्रेसिपिटेट तो आना ही वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। सर इस क्वेश्चन से पहले अपन थोड़ा सा एक जो है इनको ये भी कंसेप्ट दे देते, अपन इतनी बात कर चुके हैं तो अपन इनको ये भी बता देते केएसपी कैलकुलेट कैसे करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही ठीक है सर। तो सर एक बार एक नेक्स्ट पेज खाली पेज पे देख लेते हैं अपन, रफ करूं सर ये। हां सर, अगर अपन जैसे सर एक मैं जनरलाइज आइडिया बात करूं, एक एक्स बी वाई करके मैंने एक सॉल्ट लिया, ये सॉलिड है, इसको अपन ने वाटर में डिसॉल्व किया, सॉल्युबल करवाया, तो ये इस टाइप का इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो गया, एक्स ए प्लस वाई प्लस वाई बी माइनस एक्स। बेटा ये अच्छे से समझना, इससे रिलेटेड दो तीन क्वेश्चन आ गए हैं, वहां पे अपन फिर इसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे। बिल्कुल, ये आया जैसे सर अगर मान लो इसकी सॉल्युबिलिटी एस है, तो जैसे अपन ने यहाँ लिखा वन माइनस एस, अगर इसकी सॉल्युबिलिटी एस है तो यहाँ पे लिखूंगा सर, बताइए कितना लिखे यहाँ पे, एक्स एस लिख देंगे सर, एक्स एस स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के अकॉर्डिंग। बिल्कुल, फिर यहाँ पे लिखना चाहिए सर वाई एस। बिल्कुल सही बात है सर। अब इसका अगर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट लिखे के एस पी, तो सर ये सॉलिड है इसका कोई रोल नहीं होगा। बिल्कुल, तो उसके अकॉर्डिंग अपन ऐसा लिखना चाहिए ए प्लस वाई की कंसेंट्रेशन की पावर एक्स और बी माइनस एक्स की पावर वाई, तो उसके अकॉर्डिंग ये ऐसा होना चाहिए एक्सएस की पावर एक्स। बिल्कुल, और वाई एस की पावर वाई आएगा। बिल्कुल सही बात है सर। तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई कर लूं तो एक्स की पावर एक्स, वाई की पावर वाई और एस की पावर एक्स प्लस वाई। तो सर ये जनरल फॉर्मूला हो गया, ये जनरल फॉर्मूला हो गया सर। जब कोई भी इलेक्ट्रोलाइट आपको दे दे और आपको नहीं पता है कि उसमें कितने हिसाब से वो डिसोसिएट हो रहा है, तो आप सिंपल एक्स और वाई की वैल्यूज के अकॉर्डिंग चेंज करोगे और उसके अकॉर्डिंग अपन केएसपी को फाइंड आउट करेंगे। जैसे अपन सिर्फ ओनली फॉर दो तीन एग्जांपल लेके बात कर लेते हैं, अगर जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा एनएसीएल या ऐसे लिख लो सर। सर इसकी यदि मैं इधर बात कर लेता हूँ, AgCl की बात करो सर आप, AgCl की मैं बात कर लेता हूँ, तो सर इसको ब्रेक किया अपन ने, जैसे ही एक्वस सॉल्यूशन के ब्रेक करने की बात कर रहा हूँ, तो सर ये ब्रेक हो जाएगा आपका Ag प्लस और Cl माइनस। बिल्कुल, तो सर इधर KSP की मैं बात करूं तो KSP क्या होगा, सैचुरेटेड कंडीशन में उसके आयंस की कॉन्सेंट्रेशन का मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट होना चाहिए। तो सर मैं ये बोल सकता हूँ यहाँ पे Ag प्लस की आयन की कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय Cl माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा। अब यहाँ पे अपन या तो पूरा डेरिवेशन करें, या सर मैं बोल सकता हूँ कैटायन और एनायन जो x और y की वैल्यूज को बता रहे हैं, वो x और y वन वन हो गया, तो मैं सर डायरेक्टली बोल सकता हूँ कि जो ksp आएगा वो वन की पावर वन, वन की पावर वन, s की पावर वन प्लस वन, तो सर ये सुपर हो जाएगा, तो सर सिंपल आ जाएगा s स्क्वायर। और यहाँ से यदि अपन सॉल्युबिलिटी की बात करें तो सिंपल अपने पास आ जाएगा रूट ksp। तो बेटा यहाँ पे सर ये बताना चाह रहे हैं कि आपको बार बार पूरा डिसोसिएशन नहीं करके देखना पड़े, डायरेक्टली आप ये फॉर्मूला काम में लेके एक्स और वाई की वैल्यूज को पुट करो और डायरेक्टली उसके अकॉर्डिंग आंसर को फाइंड आउट कर सकते हो। सही बात है सर। एक्स और वाई मैं एक एग्जांपल और ले रहा हूँ इसको, देखिए सर अगर मैं ये वाला एग्जांपल लिखा Na2SO4, या ऐसे लिखो सर मैंने ये वाला एग्जांपल लिखा बेरियम सल्फेट लिख दिया जैसे। बिल्कुल सही बात है सर, है ना, या तो बेरियम सल्फेट लिखे अपन, या फिर अपन ऐसा लिख दे कि अगर ऐसा लिखा हुआ है Ag2SO4, अपन Ag2SO4 ले लेते, थोड़ा सा और अच्छा क्वेश्चन बनेगा इससे रिलेटेड। ठीक है सर, ठीक है। तो ये Ag2SO4 अगर मैंने लिया है तो सर बताइए एक्स की वैल्यू 2 है और वाई की वैल्यू 4 है, सही है क्या? नहीं सर, एक्स की वैल्यू तो यहाँ पे 2 हो जाएगी, y की वैल्यू 4 नहीं होगी क्योंकि SO4 पूरा एक कंप्लीट एनायन है। तो यहाँ पे यही कहना चाह रहा हूँ, मैंने एग्जांपल इसलिए सेट किया है कि ये आप ब्रेक करें इसको, ऐसे अज्यूम कर सकते हो लेकिन ऐसे लिखते नहीं है, एक्चुअली में ये 1 है, तो यहाँ पे y is equal to 1 आए। बिल्कुल सही बात, ये चीज थोड़ा सा बेटा आपको ध्यान रखना है क्योंकि SO4 ऐसा है, SO4 हो जाए फॉस्फेट आ जाए, कभी ऐसा आ जाए सल्फेट आ जाए, फॉस्फेट आ जाए फॉस्फेट सल्फेट हाइड्रोक्साइड, पूरी एक यूनिट होगी, कार्बोनेट हो गया, ये पूरी एक यूनिट होगी, ऐसा नहीं होगा कार्बोनेट कार्बन ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। तो एक्स की वैल्यू 2 वाई की वैल्यू अगर 1 है तो केएसपी बराबर ऐसा हो जाएगा एक्स की वैल्यू 2 की पावर 2 1 की पावर 1 और एस की पावर 1 2 प्लस 1, तो इसका मतलब 4s क्यूब हो जाएगा इसके लिए। बिल्कुल सही बात है सर। तो इसी के अकॉर्डिंग बाकी आप ये सब लोग कर लेंगे। ठीक है, चलिए सर आगे अपन। बिल्कुल सर, अपन अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है अपन को, ये क्वेश्चन में सर ऐसा बोला गया अपन को कि 10^-3m सल्फाइड आयन है, ये अपन को बोल दिया गया, सॉरी Mn+2 Fe+2 Zn+2 और Hg+2 का जो है वो 10^-3 है, सबका
10^-3। सर ये सारे जो इलेक्ट्रोलाइट ये जो दे रखे हैं ना सॉल्ट, MnS दिया, FeS दिया, ZnS दे रखा है, HgS दे रखा है, AB टाइप के हैं सारे। तो अगर AB टाइप का है तो इसका मतलब Ksp जो होगा इसका S स्क्वायर हो जाएगा, S स्क्वायर हो जाएगा। मतलब मैं एक तरीके से ऐसा बोलूं सर, ये M+2 आयन होगा इनटू S-2 होगा। हां, M+2 का मतलब जितने भी अलग-अलग मेटल हैं Mn, Fe, Zn, Hg सब आ सकते हैं, कॉमन सबके लिए सिंपल एक। अगर मैं ये कहूं सर कि प्रेसिपिटेट आना चाहिए तो KiP भी Ksp के बराबर होना चाहिए सर, प्रेसिपिटेट के लिए, जस्ट प्रेसिपिटेट के लिए बात कर रहा हूं सर मैं, जस्ट प्रेसिपिटेट की बात कर रहा हूं। अगर प्रेसिपिटेट आना चाहिए तो उस कंडीशन में तो KiP ग्रेटर देन होना ही चाहिए। अपन जस्ट प्रेसिपिटेट की बात करें, या अपन ऐसा बोल दे कि चलो प्रेसिपिटेट आना चाहिए तो उस कंडीशन पर मिनिमम कंसंट्रेशन क्या होगी, ये S-2 की मिनिमम कंसंट्रेशन की बात, मिनिमम बोल सकते हैं अपन इस कंडीशन में कि इसके तुरंत बाद में प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं ये काम करता हूं सर, यहां से S-2 जो होगा वो ये हो जाएगा कि Ksp अपॉन M+2 की कंसंट्रेशन, बिल्कुल सही बात है सर। और M+2 की सब में कांस्टेंट है तो ये तो कांस्टेंट हो गया, बिल्कुल सही। तो मैं ऐसा बोल दूं S-2 की जो वैल्यू होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी Ksp के, बिल्कुल सही बात है। जिसका Ksp ज्यादा होगा उसको प्रेसिपिटेट करवाना है तो S-2 भी ज्यादा चाहिएगा सर, बिल्कुल सही बात। अगर जैसे सपोज करो आपने एक ड्रॉप डाली तो फर्स्ट ड्रॉप पे कंसंट्रेशन हो सकती है 10^-30, ठीक है, हो सकता है 10^-1 फर्स्ट ड्रॉप पे 60 हो, ये भी कंसंट्रेशन हो सकती है। अब अगर आपने नेक्स्ट ड्रॉप ऐड किया तो सर कंसंट्रेशन बढ़ेगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो सर कंसंट्रेशन फिर ऐसा आएगा बढ़ेगा तब तो 10^-55 आएगा, बिल्कुल सही बात। फिर मैंने एक ड्रॉप अगर ऐड किया तो फिर सर कंसंट्रेशन और बढ़ेगी तो ये आएगा S-2। तो अपन ये चाह रहे हैं कि सर सबसे मिनिमम कंसंट्रेशन जब आएगी तो उस कंडीशन में वो सबसे पहले प्रेसिपिटेट होगा, क्योंकि ये सबसे फर्स्ट वाला ही पूछ रहा है, इसने बोला सबसे फर्स्टली प्रेसिपिटेट कौन होगा, तो सबसे पहले तो वही प्रेसिपिटेट होगा जिसके लिए S-2 की कंसंट्रेशन मिनिमम हो, इसका मतलब जिसका केएसपी मिनिमम हो। तो सर इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं इन चारों के केएसपी को मैं चेक करूं, -54 है ये सबसे मिनिमम है, तो ये सबसे पहले प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा, उसी से आएगा। और सर ये मेरे ख्याल से ये HgS के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसका मतलब सर अपना थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। तो बेटा इसके साथ ही आपको सर ने पूरा प्रेसिपिटेशन और पूरा सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड जो भी फॉर्मूले हैं वो आसपास की थ्योरी के साथ आपको समझा। मैं ओवरऑल ये कहना चाह रहा हूँ सर कि अगर एबी टाइप, मतलब आप पहले ये चेक कर लो कि जो आपको दे रखा ना सॉल्ट वो एबी टाइप का सेम टाइप का है या नहीं। इसमें बच्चों ये चीज भी ध्यान रखिएगा कि ये सारे एबी टाइप थे, सपोज यदि ये अलग अलग टाइप के होते तो फिर अपन सबका सेपरेट अलग लिखना पड़ता है। ऐसा एक क्वेश्चन अपन ने इंक्लूड किया है उस कांसेप्ट को, उस कंडीशन में आपको ये ध्यान रखना है। अगर फर्स्ट ऑफ थिंग आप ये ध्यान रखें सर कि एबी टाइप का, AB टाइप का, उसके बाद सेकंड टाइप ये आप चेक करें कि M+2 की कंसंट्रेशन सबके लिए सेम है, तो जिसके लिए Ksp की वैल्यू कम होगी वो सबसे पहले प्रेसिपिटेट होगा। और या फिर मैं ऐसा बोल दूं प्रेसिपिटेट जो होगा वो सर ऐसा क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है, बिल्कुल पूछा जाता है सर, ये सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस है, मेरे को सारे सॉल्ट दिख रहे हैं तो सर और फिर इनका हाइड्रोलाइसिस करवाना पड़ेगा। तो सर सबसे पहले हाइड्रोलाइसिस कराना, इसका मतलब अपन को ये पता करना है कि एसिड और बेस में कौन स्ट्रॉन्ग है और कौन वीक है। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो सर डायरेक्टली मैं इनका लिखता जाऊं तो NaCl की अपन बात करें तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है सर, सही है सर। जैसे किसी का भी हाइड्रोलिसिस करना होता है बेटा, एक बार इसका मैं बता देता हूं, तो वाटर से अपन ने इसको रिएक्शन करवाया, जैसे ही वाटर से रिएक्शन करवाया तो हमको मिल गया NaOH+HCl, सही बात है सर, बिल्कुल सर। तो सर अपने पास जो स्ट्रॉन्ग बेस है ये हो गया, स्ट्रॉन्ग एसिड है ये हो गया। अब अपन बार बार इतना डीप में नहीं जाके डायरेक्टली वाटर हाइड्रोलिसिस करें तो हमको ये पता लगा ये स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है। सर इसकी बात करें अपन तो यहाँ पे अपन को पता लग गया NaOH आएगा जो स्ट्रॉन्ग बेस होगा, और जबकि H2CO3 आएगा जो वीक एसिड आएगा, सही बात है सर। कार्बोनिक एसिड ऑर्गेनिक का एसिड है, ऑर्गेनिक एसिड वीक होते हैं, बिल्कुल सर। सर इसमें ऐसे अपन ने बात किया वही NaOH आ गया एसिड आएगा सर, तो वीक तो एसिड आ जाएगा और NaOH स्ट्रॉन्ग बेस आ जाएगा। NH4Cl से सर NH4OH बनेगा, अगर इसका आप हाइड्रोलाइसिस करवाओगे, बिल्कुल सही बात। तो NH4OH ऑर्गेनिक में कंसीडर करते हैं, वीक बेस है ये, और HCl बनेगा जो स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ सर ये स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का केस है। और सर जब तक अपन को टेम्परेचर वगैरह नहीं दे रखा था तो अपन 25 डिग्री के रिस्पेक्ट में बात करते हैं, कर सकते। तो सर अपन बोल सकते हैं पीएच 7 से कम रहा तो एसिड होगा, 7 न्यूट्रल रहेगा, और 7 से ज्यादा रहा तो बेसिक रहेगा। तो स्कूल में लगे आप ये कहना चाह रहे हो सर
कि अगर बेस जितना बेसिक नेचर ज्यादा होगा तो पीएच भी ज्यादा होगा। बिल्कुल सही बात है सर, है ना। तो आप अल्टीमेटली ये कहना चाह रहे हो कि किसमें स्ट्रॉन्ग बेस आया और किसमें वीक एसिड आया, वो वाला दो। अगर एसिड वीक होगा, अगर एसिड वीक होगा तो पीएच बढ़ेगी। बिल्कुल सही बात है। या फिर बेस जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतनी पीएच बढ़ेगी। तो सर इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि बच्चे ये गलती नहीं करते, केवल बेस को ही कंसीडर कर ले, साथ साथ सॉल्ट है तो एसिड को भी आपको साथ में लेके चलना पड़ेगा। एसिड वीक हो, बेस स्ट्रॉन्ग हो तो पीएच बढ़ेगी सर। अब सर जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है तो ये तो 7 हो जाएगा, इसको अपन एक बार हटा देते हैं। ये सर 7 से कम आएगी ये, क्योंकि यहाँ पे एसिड स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। हाँ तो सर फोर्थ ऑप्शन भी अपना रॉन्ग हो गया, फर्स्ट ऑप्शन भी अपना रॉन्ग हो गया। सेकंड और थर्ड में सर अपन बात करें तो यहाँ भी वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, यहाँ भी वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। बताओ सर कैसे बताओ। तो सर यहाँ पे अपन बात करें बेस तो यहाँ पे NaOH है, यहाँ पे तो सिंपल एक था, यहाँ पे सर दो NaOH आ रहे हैं। बिल्कुल सर, इसके अकॉर्डिंग सर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रूप से ये अपना नेचर शो करेगा। बिल्कुल सर, मेरे ख्याल से सर इसका आंसर थर्ड ऑप्शन चला जाना। बिल्कुल सही है सर। तो सर इसका अपन बात कर रहे हैं द कंपाउंड हूज एक्वस सॉल्यूशन हैज द हाईएस्ट पीएच इज, आई थिंक थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये अपना पीएच ज्यादा रखेगा और इसी के बेसिस पे ये क्वेश्चन आगे और आएगा सर कि उसमें ये बोला जाएगा कि किसका एक्वस सॉल्यूशन जो होगा वो एसिडिक होगा। हाँ तो एसिडिक होगा तो अपन यही चीज ध्यान रखेंगे पीएच 7 से कम आनी चाहिए। वो ऐसे भी क्वेश्चन को पूछ सकता है पीएच 7 से कम किसमें आएगी, या ऐसे भी पूछ सकता था इन चार ऑप्शन में से पीएच 7 से कम किसकी होती, तो पीएच 7 से कम तो बस एक ही ऑप्शन में आ रहा है सर, स्ट्रॉन्ग एसिड। टोटल मिला के क्वेश्चन अलग अलग तरीके से फ्रेम कर सकते हैं, कैसे भी जा सकते हैं, बस आपको ये ध्यान रखना है 7 से कम पीएच है तो स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा और 7 से ज्यादा है तो स्ट्रॉन्ग बेस का नेचर रहेगा। चले सर आगे, तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज इज मोस्ट सोल्यूबल। सर ये वही आ गया जो क्वेश्चन बन में आप बात कर रहे थे। बिल्कुल, यहाँ पे केएसपी दे रखा है लेकिन जल्दी जल्दी में ये नहीं सर, केएसपी से काम नहीं चलता है क्योंकि अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट दे रखा है। फर्स्ट ऑफ थिंग केएसपी ये कहीं पे डिफाइन नहीं करवा सकता कि केएसपी जो होता है वो सॉल्युबिलिटी को रिप्रेजेंट, तभी बोल सकते हैं जब यदि सेम इलेक्ट्रोटाइप। बिल्कुल, क्यों वो अपन अल्टीमेटली सर सॉल्युबिलिटी की बात है ना, तो सॉल्युबिलिटी तो ऐसे डिफाइन होती है। बिल्कुल, तो सर पहले मैं यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट के टाइप्स देख लेता हूँ कि किस टाइप के। अगर एस ज्यादा होगा ना तो एस ज्यादा होगा तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। बिल्कुल सही बात। तो इसका मतलब तो ये हो गया आपको हर केस में एस कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये केएस भी तो अपन तब निकाल लेते थे कि इलेक्ट्रोलाइट सेम है तो अपना थोड़ा काम शॉर्ट हो जाए। बिल्कुल सर। तो सर अपन इसमें देखें तो सर फर्स्ट ऑप्शन जो अपना है B2S3, मैं जहां तक समझ रहा हूं सर ये अपना A2B3 वाला आ गया। बिल्कुल सर। सर A2B3 के लिए अपन जब सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं तो सर इसका पूरा करूं या रिलेशन डायरेक्ट लिख दें अपन? सर डायरेक्ट लिखो आप 108 S raise to the power KSP is equal to, सर अपन बात करें इसका तो 108 S raise to the power 5। सर ये उसी टाइप से आया है कि x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 3 है, तो x की पावर x, y की पावर y, जो अभी सर ने आपको बताया था x की पावर x, y की पावर y, s की पावर x plus y, यहां से तो मैंने अप्लाई किया। बिल्कुल, तो यहां से x की वैल्यू 2 हो गई, y की वैल्यू 3। यहां से बेटा मैं यदि s निकालना चाहूं तो s आ जाएगा आपके पास ksp अपॉन 108 की पावर 1/5। सही बात है सर? सही है सर। सर ऐसे ही अपन को सबका निकालना पड़ेगा। बिल्कुल, लेकिन बेटा ऐसे आप इन वैल्यूज को सॉल्व करोगे, कैलकुलेटर अवेलेबल है नहीं वहां पे, तो अपन को पूरा सॉल्व करने के बजाय अपन एक थोड़ा सा आइडिया ले ले पावर से रिलेटेड। सर पावर से ही लेना पड़ेगा सर, क्योंकि पावर में डिफरेंस मेरे को ऐसा लग रहा है पावर में डिफरेंस बहुत ज्यादा चल रहा है, बहुत ज्यादा चल रहा है। तो सर एक बार अपन ये बात कर ले, यहाँ पे सर 1/5 पावर आ रही है। सर आप एक काम करो, जैसे इसका केएसपी 10^-17 दे दिया ना, तो इसका 17 दे दिया तो आप इसको 100 मान लो। बिल्कुल, ये हो गया 1/5, तो ये हो जाएगा 10^-19। आप 10^-20 मान लो, 20 मान लो, क्योंकि 1/5 पावर लगाना आसान रहेगा। तो इसकी सॉल्युबिलिटी आएगी सर 10^-4, पहले वाले में 10^-4 एप्रोक्सीमेट। सर ये लिख लेते हैं, एप्रोक्सीमेट की बात करेंगे सर, क्योंकि वैसे एक्यूरेट बात करेंगे तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। सर सेकंड वाले में MNS दे रखा है, AB टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है, AB टाइप के लिए KSP जो होगा वो S स्क्वायर के बराबर आएगा, तो S बराबर जो आएगा वो अंडर रूट ऑफ KSP आएगा। 10^-16 का अगर स्क्वायर रूट लूंगा तो 10^-8 आएगा। सर ऐसे ही थर्ड ऑप्शन में ये भी आपका ए बी टाइप का दे दिया, तो इसका भी मैं सिंपल एस स्क्वायर -37 को 36 मान लो सर। सर -18 समथिंग मान लेता हूं मैं सॉल्व करने के बाद में। ये ए टू बी टाइप का है तो यहाँ पे जो बनेगा सर वो बनेगा 4S³ = 10^-51। तो आप एक काम करें सर, S बराबर approximate 10^-17 बनेगा सर। बिल्कुल सही बात है। तो सर इसका अपने पास आ गया 10^-17।
सॉल्युबिलिटी उसकी मैक्सिमम होगी जिसका एस ज्यादा हो। तो सर यहाँ पे एस ज्यादा अपन बात करें तो अपन फर्स्ट ऑप्शन मिल रहा है सर। बिल्कुल सर। तो सर अपने अकॉर्डिंग इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाना चाहिए। ऑर्डर लिखने का बोले तो ऑर्डर भी लिख सकते हैं सर, अपने सारे कैलकुलेट कर लिए, ऑर्डर भी पूछे तो भी अपन कर सकते। ओके, तो बेटा इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तरीका बता ही दिया है। ये फॉर्मूला जो सर ने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था इम्पोर्टेंट है, ये आपको ध्यान रहना चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्मूला। मेरे हिसाब से सर सॉल्युबिलिटी का अब कोई भी कांसेप्ट नहीं बचा, जो अपन ने फर्स्ट क्वेश्चन में कांसेप्ट की बात की थी वो सारे कांसेप्ट सॉल्युबिलिटी के लिए लागू होंगे। बिल्कुल सर, चलें सर आगे। बिल्कुल सर, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 की बात करते हैं बेटा। द सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl इन वाटर इन 0.02 mCaCl2 इन 0.01 mNaCl इन 0.05 mAgNO3 इज S0 S1 S2 S3 रेस्पेक्टिवली, then which of the following relationship is correct? पहली बात तो correct relationship पूछी है। Again sir solubility का overall बात ही है। Again sir अपन से solubility की बात की है, तो sir AgCl की अपन को water में CaCl2 में सब में निकाल के check करना है, तो sir मैं सबके लिए इसको लिख दूँ, तो एक बार check कर लेता हूँ मैं। Sir मैं एक second यहाँ पे एक बात कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जो logical बात होगी वो AgCl जो है वो solubility के respect में, क्योंकि AgCl का Ksp वैसे दे नहीं रखा है, लेकिन अब मुझे से आइडिया है कि 10^-10 होता है एप्रोक्सीमेट। बिल्कुल सर, ये अपन स्टैंडर्ड मान के चल रहे हैं। अगर ये स्टैंडर्ड मानते हुए चले अगर अपन, तो इसका मतलब तो ये हो गया कि AgCl सॉल्युबिलिटी के रेस्पेक्ट में वीक इलेक्ट्रोलाइट है। बिल्कुल सर, सॉल्युबिलिटी के रेस्पेक्ट में बोल रहा हूँ मैं, मतलब स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट हो गया सर, है ना, एक तरीके से वीक इलेक्ट्रोलाइट हो गया। और यहाँ पे जो मेरे को दिख रहा है सर, ये सारे सॉल्ट दिख रहे हैं। बिल्कुल सही बात, ये सारे सॉल्ट दिख रहे हैं, ये सारे सॉल्ट दिख रहे हैं। तो सॉल्ट अगर है और उधर वीक इलेक्ट्रोलाइट है, और सॉल्ट जो सारे होते हैं सर वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट प्लस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का केस आ रहा है। वीक इलेक्ट्रोलाइट प्लस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का केस आता, मतलब कहीं कहीं ऐसा वर्ड नाम में आना चाहिए सर, कॉमन आयन इफेक्ट लगना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो सर थोड़ा सा कॉमन आयन इफेक्ट की बात कर लेते हैं अपन। अपन कॉमन आयन इफेक्ट की अगर बात करें तो नाम से ही मालूम चल रहा सर, एक तो कॉमन आयन होना चाहिए फर्स्ट ऑफ थिंग, है ना। कॉमन आयन इफेक्ट एप्लीकेबल कब होगा सर? कॉमन आयन इफेक्ट एप्लीकेबल तब होगा जब एक वीक इलेक्ट्रोलाइट हो और उसमें ऐड जो कर रहे हैं वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, प्लस एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो जो सेम आयन को रखे, इन विच वन आयन इज कॉमन। बिल्कुल सही, जिसमें एक आयन कॉमन हो सर। बिल्कुल सही बात, वन आयन इज कॉमन तो लगेगा। जब भी ऐसा हो, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो, जिसमें अगर एक आयन कॉमन हो तो कॉमन आयन इफेक्ट तो लग जाएगा सर। जब जैसे मैं एक एग्जांपल की बात करूं सर, आगे और भी आएंगे एग्जांपल, जैसे एसिडिक एसिड है, वीक एसिड है सर, इसमें HCl ऐड कर दे, प्लस HCl ऐड कर दूं। बिल्कुल, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इन विच वन आयन इज कॉमन। बिल्कुल, ये ऐसा हो तो कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा। ये तो आइडेंटिफाई हो गया, कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा। जब अपन ने पीएच के क्वेश्चन किए थे तब वहां पे ऐसा आया था सर, तो मैंने कहा था स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से ही ले लो, स्ट्रॉन्ग एसिड से सारे ले लो। उस कंडीशन में क्या होता है, जब भी कॉमन आयन इफेक्ट लगे तो उस समय कंसेंट्रेशन ऑफ कॉमन आयन जो होनी चाहिए, कंसेंट्रेशन ऑफ कॉमन आयन जो होनी चाहिए, जो भी कॉमन आयन होगा उसकी कंसेंट्रेशन जो होगी वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से ही आएगी। बिल्कुल सही बात है सर, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो टूटेगा ही नहीं, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए हमें पता है अल्फा 1 हो जाएगा, अल्फा 1 हो जाएगा, मतलब सी अल्फा के बराबर आएगा। अब वो हो सकता है 2 सी अल्फा भी रिप्रेजेंट करे, 3 सी अल्फा भी करे, वो तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर डिपेंड करेगा सर, ठीक है सर। तो ओवरऑल बात ये होगी कॉमन आयन इफेक्ट लग तो रहा है यहाँ पे। अब कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा तो मैंने कह दिया सर, कंसंट्रेशन ऑफ कॉमन जो आयन होगा वो हमेशा किसके बराबर होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से ही आएगी। बिल्कुल सही बात। अब सर इस क्वेश्चन को अपन प्रोसीड करते हैं सर, अब इसको अपन बात करें या तो कॉमन आयन इफेक्ट के अकॉर्डिंग कर ले, और एक मैं वाटर CaCl2 NaCl AgNO3 सब में मैं इसको निकाल के देख लूं वो कहां कहां से AgNO3 के लिए कंसंट्रेशन आ रही है। तो AgCl के केस की बात कर रहा हूं सर, इसको नेक्स्ट पेज पे अपन प्रोसीड करें। तो जैसे सर अगर आपने कहा कि ये AgCl है, तो ये AgCl है, तो जैसे सपोज करो ये Ag+ जाएगा प्लस Cl- होगा, तो Ksp जो होगा, या अभी जैसे एक CaCl2 वाला या NaCl का केस लिया, सिंपल वाटर का केस के लिए लिख लेते हैं। वाटर वाले केस में तो सर कुछ भी नहीं होने वाला है। तो सर अपन एक एक केस की बात कर लेते हैं ना, जिससे थोड़ा सा इनके लिए इजी हो जाएगा। वाटर के लिए तो मैं बेटा सिंपल बोल सकता हूँ, Ksp जो आएगा एस स्क्वायर आएगा, और सॉलिबिलिटी की बात करूं तो जो एस जीरो दे रखी है वाटर के लिए वो सिंपल रूट Ksp हो जाएगी। सही बात है सर। बिल्कुल सर। अब सर सेकंड केस की अपन बात कर लेते हैं, सेकंड केस क्या दिया है अपन को, साथ में अपन को दिया है 0.02 mCaCl2 0.02 दे रखा है, तो सर मान लो ये S है इसकी सॉल्युबिलिटी। बिल्कुल S1 दे रखी है, S1 है, तो ये भी S1 होगा।
सर Cl माइनस जो होगा वो यही से थोड़ी ना आएगा, वो सर CaCl2 से भी आएगा सर। और CaCl2 जब टूटता है, अगर ये टूटेगा तो कैल्शियम प्लस टू बनाएगा, प्लस टू टाइम Cl माइनस बनाएगा। सही बात है सर। और इसकी कंसेंट्रेशन सर शायद तक 0.02 दे रखी, बिल्कुल 0.02 दे रखी है, तो ये डबल बन जाएगा सर, बिल्कुल 0.04। तो सर इसका मतलब मैं यदि CaCl2 के लिए लिखना चाहूं तो मैं ये बोल सकता हूं जो इसका Ksp आएगा वो Ag की कंसंट्रेशन तो हो गई S1, वो तो एज इट इज रहने वाली है। Cl की कंसंट्रेशन जो है वो S1 तो इधर से आ ही रही है, साथ में CaCl2 प्लस 0.04 भी आएगी। और सर S की वैल्यू जो है पहले से कम थी और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की प्रेजेंस में और कम हो गई, तो S स्क्वायर का मल्टीप्लाई नेगलिजिबल हो जाएगा। तो ओवरऑल बात कहूं S स्क्वायर ऐसे नेगलिजिबल हो रहा है तो मैं सिंपल यहां पे 0.04 S1 बोल सकता हूं क्या सर? बिल्कुल सर, क्योंकि जो S1 स्क्वायर आया है उसको नेगलिजिबल मान रहा है। तो सर यहां से मैं यदि S1 की बात करूं वो आ जाएगा Ksp अपॉन 0.04। सही बात है सर। सर अल्टीमेटली आपने जो रिजल्ट लिखा ना उसका मतलब यही हुआ है कि जो मैं बोलना चाह रहा था कि सॉल्युबिलिटी जो है वो Ksp अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ कॉमन आयन, बिल्कुल सही बात है। तो कॉमन अगर मैं ऐसा बोल दूं Ksp तो हर बार कांस्टेंट ही रहने वाला है, तो कॉमन आयन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन ऑफ कॉमन आयन बढ़ेगी तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, ओवरऑल बात ये। बिल्कुल सही बात है सर। ठीक है ना सर। तो सर अब आगे अपन बात कर लेते हैं CaCl2 के बाद सर इन्होंने दिया NaCl, NaCl में तो 0.01 ही मिलने वाला है, 0.01 ही मिलने वाला है, तो इसका मैं डायरेक्ट NaCl का लिखूं तो आप Ksp अपॉन 0.01 लिख दो, तो Ksp अपॉन 0.01, 0.1 था 0.01 0.01 0.01 है सर, तो इसका अपन बोल सकते हैं 0.01 इज इक्वल टू S2 आ जाएगा। सही बात है सर, बिल्कुल सर। इसके बाद सर अपन को दे रखा है AgNO3, AgNO3 से सर अब कॉमन आयन यहां पे आज Ag आ गया, Ag प्लस होगा, इसकी आई थिंक 0.5 दे रखी है, 0.05 0.05 दे रखी है, हाँ एक सेकेंड 0.05 दे रखी है सर। तो सर इसके लिए भी मैं डायरेक्टली लिख लेता हूं जो अपना Ksp अपॉन 0.05 है ये अपना S3 आ जाएगा। अब अपन को सर सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर देखना है जो अपन अब डायरेक्टली बता सकते हैं। तो सर यहाँ पे सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर क्या रहेगा फिर अपना? वाटर में सर सबसे ज्यादा है, कॉमन आयन इफेक्ट होगा तो सॉल्युबिलिटी कम ही होने वाली है, तो वाटर में तो सबसे ज्यादा रहेगा सर S नोट सबसे ज्यादा, बिल्कुल सही बात। उसके बाद कॉमन आयन की कंसेंट्रेशन जितनी ज्यादा होगी उतना ही उसकी सॉल्युबिलिटी कम होती जाएगी। तो सर अपन को ज्यादा सॉल्युबिलिटी देखनी है तो कॉमन आयन कंसेंट्रेशन कम होनी चाहिए, वो NaCl में दिख रही है, फिर S2 आएगा, बिल्कुल सही बात है सर। उसके बाद S1 आएगा और उसके बाद S3 आएगा। तो सर अपन को ये जो मिल रहा है इसके अकॉर्डिंग अपन बात करें S0 S2 S1 S3 सेकंड ऑप्शन। तो बेटा यहाँ पे सर ने आपको कॉमन आयन इफेक्ट समझा दिया, साथ में आपको ये भी पता लग गया कि वाटर के केस में बात करेंगे तो सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा, वाटर के केस में तो सर कुछ होने वाला ही नहीं है, जो S आएगा वो नॉर्मल तरीके से जो कैलकुलेट करते हो वही आएगा, और वाटर वाले केस में मैक्सिमम होगा। लेकिन एक बात सर है, वाटर वाले केस से भी मैक्सिमम आ सकता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की बात करें सर, बन जाए जैसे अगर Ag प्लस है, अब ये Ag प्लस में अगर आपने अमोनिया मिला दिया, तो अमोनिया मिलाया तो ये बनना स्टार्ट हो जाएगा AgNH3+। सर आप इसको ऐसे नहीं समझे, अपन केमिकल इक्विलिब्रियम के अकॉर्डिंग भी बात करें ना सर, तो उसके अकॉर्डिंग भी अगर मैंने अमोनियम या अमोनिया मिलाया है तो Ag प्लस जो है वो कंज्यूम होने लगेगा, Ag प्लस अगर कंज्यूम होने लगेगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी। अगर मैंने रिएक्टेंट ऐड किया है मतलब रिएक्टेंट कम होता जा रहा है, इसका मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड में गई, फॉरवर्ड में गई इसका मतलब सर सॉल्युबल ज्यादा हो रहा है, सॉल्युबल ज्यादा। और सर वैसे भी अपन को डायरेक्टली बच्चों ये याद रखो, इतना डीप में नहीं जाओ, तो वाटर की सॉल्युबिलिटी ज्यादा आएगी ऐसे क्वेश्चन में, वाटर से ज्यादा एक ही केस में बनेगी जहां कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, बिल्कुल सर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगा। चलिए सर आगे, तो इसका आंसर बेटा अपना ऑप्शन 2 करेक्ट है। इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ AgCl इज 2.8 × 10⁻¹⁰ तो मैं इसका Ksp लिख लेता हूं जो हमको मिल गया 2.8 × 10⁻¹⁰ मिल गया। ये सर बराबर होगा Ag प्लस की कंसंट्रेशन इनटू Cl माइनस, बिल्कुल सर ये बोल सकते हैं, ये अपन ने अभी इनको समझा भी दिया है कि जो इनकी सैचुरेशन में है कंसंट्रेशन उनका प्रोडक्ट होगा, ये Ab टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है ये हमको समझ में आ रहा है। अब AgNO3 में पूछ रहा है, ये AgNO3 में पूछ रहा है, इसका मतलब सर कॉमन आयन इफेक्ट लगे और कॉमन आयन Ag प्लस चल रहा है। तो सर इसकी जब अपन सॉल्युबिलिटी की बात करें तो यदि पहले अपन इनकी सॉल्युबिलिटी SS मान ले तो सर पहले SS थी दोनों के लिए, बिल्कुल जैसे ही अपन ने इसमें 0.1 mg AgNO3 मिलाया तो सर अब AgNO3 मिलाने से किसकी चेंज होगी? सर Ag प्लस आयन की कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगी। तो सर इधर से मैं ये बोल सकता हूँ 2.8 × 10⁻¹⁰ पहले था, आज Ag की कंसंट्रेशन S के साथ क्या हो जाएगी +0.1 और Cl की एसिडिटी S रहेगी। S की वैल्यू अपन कम मान के चल रहे हैं सर, बिल्कुल कम ही होगी सर, 10⁻⁵ में आ रहा है। तो सर यहाँ से अपन ने इसको सॉल्व किया तो आएगा S² + 0.1 S
वही पहले वाले क्वेश्चन वाली बात हो गई, स्क्वायर को सर नेग्लिजिबल कर दूं, हाँ। तो सर यहाँ से 10 टू पावर माइनस 1 आ गया, तो सर यहाँ से 10 टू पावर माइनस 1 इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे ख्याल से सॉल्युबिलिटी 2.8 इनटू 10 टू पावर माइनस 9 मोल पर लीटर होनी चाहिए, क्योंकि माइनस 1 इसको हटाएगा, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाना चाहिए। बिल्कुल सर। चले तो बेटा प्रीवियस क्वेश्चन का जो मतलब यूनिट जो आएगी वो सर मोल पर लीटर में बिल्कुल, अगर आप हाँ, और अगर आपको अगर इसमें पूछ ले कभी ग्राम पर लीटर में, तो मोल पर लीटर में कैलकुलेट करने के बाद आप उसे मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर ले। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सॉल्युबिलिटी एक टाइप की अपनी कॉन्सेंट्रेशन है, मॉलरेशन है। चले सर आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 की बात करते हैं। 20 ml ऑफ 0.2 m NaOH इज एडेड टू 50 ml ऑफ 0.2 m CH3CWH टू गिव 70 ml ऑफ सॉल्यूशन, What is the pH of solution? सर इस क्वेश्चन को मैं करूं उससे पहले मेरे को एक चीज पता लग गई, ये सर स्ट्रॉन्ग बेस है और ये सर अपना वीक एसिड है। सही बात है सर? सही है सर, ये स्ट्रॉन्ग बेस होगा NaOH और ऑर्गेनिक एसिड है एसिडिक एसिड, तो वीक एसिड होगा। सर मैं इनके पहले मोल्स की बात कर लूं, कितने कितने मोल रिएक्ट कर रहे हैं? सर आपको तो ये मालूम है कि इस दुनिया में अगर NaOH का सबसे ज्यादा दुश्मन है तो वो एसिड है, तो एसिड और बेस दोनों दिख गए, इसका मतलब रिएक्शन तो होगी, रिएक्शन होगी, तो रिएक्शन होगी, तो मेरे को ऐसा लिख देना चाहिए फिर तो कि ये CH3COH है, ये रिएक्शन करेगा तो NaOH के साथ रिएक्शन करेगा ही करेगा। बिल्कुल सही बात है सर, अगर NaOH के साथ रिएक्शन करता है तो CH3COH Na बनेगा ही बनेगा। बिल्कुल सर, प्लस सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है सर। बिल्कुल सही बात है सर। अब अपन को चेक करना पड़ेगा सर रिएक्शन कंप्लीट हुई है या कोई बच गया है कैसे है, तो वो तो अपन तभी मालूम कर पाएंगे जब अपन को मोल मालूम हो, जो अपन बेसिकली मोल में करते हैं लिमिटिंग रिएजेंट के बेसिस पर और एक्सेस रिएजेंट के बेसिस पे। तो सर इधर मैं सिंपली मिली मोल में बात करके चलूं, हाँ दोनों साइड मिली मोल बात कर लो सर, तो सर ये 4 मिली मोल हो गया क्या? ये लो 4 मिली मोल हो गया सर, मैं इधर लिख देता हूं। हाँ, और सर इसकी मैं बात करूं तो सर ये 10 मिली मोल हो गया, ये हो गया 10 मिली मोल हो गया सर। तो सर यहाँ पे मेरे को ये लग रहा है बफर फॉर्मेशन करेगा, ये 10 मिली मोल हो गया, ये 4 मिली मोल हो गया, तो इसके एक मोल के लिए इसका एक ही मोल चाहिए, तो 10 के लिए 10 चाहिए लेकिन है नहीं, इसका मतलब लिमिटिंग रिएजेंट तो ये हो गया। बिल्कुल सही, अगर लिमिटिंग रिएजेंट ये हुआ तो ये 0 बचेगा, ये 6 मिली मोल बचेगा और वहां 4 मिली मोल का फॉर्मूला, ये 6 मिली मोल बनेगा तो ये 4 मिली मोल बन गया। सर मेरे को ये आइडिया नहीं था स्टार्टिंग में बफर बनेगा कुछ भी होगा, मेरे को तो ये मालूम था एसिड बेस की रिएक्शन होगी, लेकिन रिएक्शन करवाने के बाद मालूम चला कि ये वीक एसिड बच गया पीछे और ये बच गया सर, ये बन गया नया क्या सॉल्ट ऑफ वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस, और बफर उसी को बोलते हैं, ये एसिडिक बफर बन गया वीक एसिड प्लस सॉल्ट ऑफ वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस। तो सर बफर के लिए पहली बात तो कंडीशन ये है कि एसिडिक बफर है तो वीक एसिड रहेगा, बिल्कुल, और बेसिक बफर है तो वीक बेस रहेगा, वीक बेस रहेगा। बफर में जरूरी है कि जो वीक वाला पार्ट है वो रिमेनिंग रहना चाहिए, अदरवाइज इसके फॉर्मूले में अपन बात करेंगे तो वहां पे वो डिफाइन नहीं हो पाए। बिल्कुल सही कह रहे हो सर। तो सर मैं एसिडिक बफर के यदि पीएच की फॉर्मूले की बात करूं तो सर मैं डायरेक्ट बोल सकता हूं पीएच इज इक्वल टू पीके प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड कॉन्सेंट्रेशन। सही बात है सर। तो सर यहाँ पे अपन वैल्यूज रख के सॉल्व करें इसको। सही है सर। तो सर इसको यहाँ पे अपन पीके देखें, के दे रखा है सर आपको, के दे रखा है 2 × 10⁻⁵, ये हमारा के है। तो सर पीके अपन ने निकालना बताया था, माइनस का लॉग ऑफ द के हो जाएगा तो सर 4.7 आ जाएगा, तो सर 5 माइनस लॉग 2 रहेगा और इसको सर अपन 4.7 जो आप बता रहे हैं वो सही है। तो सर यहाँ से अपन को पीके मिल गया 4.7 प्लस लॉग। सर वॉल्यूम की इसने बात की है, वॉल्यूम कितना है? सर वॉल्यूम का कोई रोल होगा नहीं, उसका रीजन बता देता हूं, आप जब मोल के अंदर डिवाइड करोगे जैसे ये 70 और वो 20 ml मतलब 70 ml हो गया, तो ये 70 ml होगा और वापस जब आप कंसंट्रेशन का रेशियो लोगे उधर, अगर आपने 6 मोल लिया मिली मोल डिवाइड बाई 70 करोगे तो फर्स्ट ऑफ थिंग 70 से 70 कैंसिल होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, मिली से मिली भी कैंसिल आउट होगा। तो सर अपन यहाँ पे सिंपली बोल सकते हैं 4/6 आ जाएगा सर। बिल्कुल सर, हाँ 4/6 हो जाएगा, आ जाएगा। तो सर यहाँ से अपन ये देखे थे 2/3 हो गया, हाँ। और सर log 2/log 3 को यदि अपन सॉल्व करें और प्रॉपर्टी लगाए तो सर ये हो गया प्लस log 2 log m upon n वाली प्रॉपर्टी माइनस log 3 माइनस log 3। तो सर इसको यदि चेक करें माइनस का 0.17 आएगा सर, सर ये आ जाएगा टोटल मिला के माइनस का 0.17। तो सर यहाँ से यदि अपन बात करें लगभग 4.53 के आसपास आएगा, हाँ हाँ, तो 5352 हो गया। तो सर इसका मतलब इसका ऑप्शन 1 करेक्ट, फर्स्ट करेक्ट है। तो सर यहाँ पे अपन ने बफर की भी बात कर ली है कि जो रिएक्शन करवाने के बाद में आपको पता लग रहा है कि पूरी रिएक्शन नहीं हो रही और वीक वाला पार्ट रिमेनिंग है, इसका मतलब बफर फॉर्मेशन होगा। मैं एक यहाँ पे आपको ये बात बताना चाह रहा हूँ सर कि आपने ये जो फॉर्मूला लिखा है पीएच बराबर पीके, चलो ठीक है फॉर्मूला लिख दिया, फॉर्मूले से भी हो जाएगा, विदाउट फॉर्मूला भी हो जाता था, तो अगर आपने ये फॉर्मूला लिखा है तो सर इसमें जो सॉल्ट है ना, तो सॉल्ट में एक्चुअल में सॉल्ट नहीं लिखना है यहाँ पे,
या अभी वाले केस में तो सही है, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना सर, अभी वाले केस में तो सॉल्व हो जाएगा। अदरवाइज अगर कभी ऐसा आया तो इसमें सॉल्ट की जगह सर ये आएगा, कॉमन आयन की कंसंट्रेशन होनी चाहिए। हाँ, जो भी कॉमन आया, लेकिन जैसे अभी वाले फॉर्मूले के अभी वाले केस के अंदर तो ठीक है, CH3CO माइनस जो होगा वो कॉमन आयन है दोनों के लिए। ये देखो CH3CO माइनस है, ये भी CH3CO माइनस है, तो कॉमन आयन CH3CO माइनस है। ये AB टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है, तो जो इसकी कंसंट्रेशन होगी सॉल्ट की वही CH3CO माइनस की होगी, क्योंकि सिंपल AB है तो कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगी, ठीक है ना। बाकी अदरवाइज आपको सर कॉमन आयन पुट करना पड़ेगा। चलो सर आगे, बिल्कुल, इसका फर्स्ट ऑप्शन अपना करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, कैलकुलेट पीएच ऑफ सॉल्यूशन ऑफ गिवन मिक्सचर 0.1 मोल CH3CWH प्लस 0.02 मोल CH3CWH। ये तो सर सीधा बेसिक मतलब बफर बना के दे दिया इन्होंने, एसिडिक बफर। हाँ, और सर एसिडिक बफर दिख रहा है क्योंकि वीक पार्ट बफर है, तो सर जो प्रीवियस क्वेश्चन में फॉर्मूला काम में लिया है वो इधर काम में आने वाला है, वही काम में आएगा। तो सर मैं सिंपल ये फॉर्मूला लगा दूं, पीएच इज इक्वल टू पीकेए प्लस लॉग, वही सर सॉल्ट लिख दो, सॉल्ट क्योंकि यहां पे डायरेक्ट दे रखा है अपन, तो अपन डायरेक्ट बोल सकते हैं सॉल्ट अपॉन एसिड कॉन्सेंट्रेशन। सही बात है सर, सही है सर। यहाँ पे वैल्यूज की अपन बात करें, पीके आज फिर से वही 4.7 आ जाएगा, 4.7 आएगा, तो 4.7 आ गया प्लस लॉग। सॉल्ट अपॉन एसिड की बात करें तो सॉल्ट 0.2 हो जाएगा सर, क्योंकि वॉल्यूम अपन इक्वल, वॉल्यूम तो कैंसिल आउट होगा सर, वॉल्यूम का कोई रोल ही नहीं। और यहाँ पे 0.1 आ गया, पॉइंट से पॉइंट गया, तो लॉग 2 की वैल्यू 0.3 हो जाएगी। तो सर सिंपल ये मैं बोल रहा हूँ 4.7 प्लस 0.3 की बात करूं तो सिंपल 5 आ जाएगा, बिल्कुल। तो सर इसका मतलब इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाना चाहिए, बिल्कुल सर, सही बात है। चले सर आगे, चलो सर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। द सॉल्युबिलिटी ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट AXBY इन वाटर दिस then solubility product this then possible value x y। सर ये अपन ने जो पहले में डिस्कस किया वही है, फर्स्ट वाला क्वेश्चन ही है सर, बस इसमें थोड़ा सा इन्होंने क्या किया है, x और y दोनों वेरिएशन रखे हैं और इनकी वैल्यू पूछी है। तो सर सिंपल मैं ये बोल दूं कि जो आप ये फार्मूला वहां बता के आए थे, अपन पूरा सॉल्व करने के बजाय ऑप्शन चेक करने को ज्यादा बेटर करना पड़ेगा सर, है ना सर। तो सर सिंपल सा अपन को ये फार्मूला दे रखा है जिसमें हमको KSP बता रखा है, solubility of ये KSP दिया है अपन को 1.1 × 10⁻¹¹ x की पावर x, y की पावर y, सॉल्युबिलिटी सर हमको दिया है 1.4 × 10⁻⁴ की पावर x प्लस y। सही बात है सर, सही है सर। तो सर यहाँ पे x और y की वैल्यूज अपन को पुट करके देखनी पड़ेगी, वैल्यूज भी सर अपन को बहुत आसान काम कर दिया, जीरो दे रखा है वैल्यूज में। हाँ, तो सर मान लीजिए अपन ने किसी भी एक पार्ट की वैल्यू जीरो रख दी, तीन ऑप्शन में तो जीरो है, तो अपन को सबसे पहले जीरो ही चेक करना चाहिए। हाँ, तो सर जीरो चेक कर लेंगे, किसी की पावर जीरो आई तो सर ये तो पूरा मामला सेट ही नहीं होगा ना, जीरो आती तो सर मेरे हिसाब से ऐसा हो गया कि पूरा जीरो ही हो जाएगा, पूरा जीरो ही हो जाएगा। तो सर इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया, थर्ड गया और फोर्थ भी गया, तो सर आंसर तो सेकंड ही है, आंसर सेकंड ही आएगा। तो बेटा इसलिए आप इसमें घबराए नहीं कि कैलकुलेशन बढ़ गई, वहां आपसे कैलकुलेशन नहीं करवाना चाह रहा, वो ट्रिकी क्वेश्चन है, लॉजिक देखना चाह रहा है कि आपको पूरा पता है। अब आप चाहो तो वैल्यू भी पुट करके देख लो सर, आंसर तो वही आएगा, सर वैल्यू पुट करके देख लेंगे, तो सर वैल्यू तो पुट कर लेंगे अपन, क्यों टाइम कंज्यूम करें। तो बेटा सिंपल यहां पे x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1 पुट करोगे तो 2 की पावर 2, 1 की पावर 1, और ये आएगा 1.4 × 10⁻⁴, 2 और 1 आ जाएगा सर 3, तो सर यहाँ पे ये आ गया 4, 1.4 का सर क्यूब करना पड़ेगा, ये थोड़ा डिफिकल्ट टास्क रहेगा, तो इसको ये इसलिए अपन कह रहे हैं सर ऑप्शन से चेक हो जाना चाहिए, ऑप्शन से चेक और टाइम कंज्यूम करना, ये तीन ऑप्शन कैंसिल हो गए तो फोर्थ सेकंड आंसर रहेगा। चलें सर आगे, चलो सर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें सर। मैच द कॉलम 1 एंड कॉलम 2 एंड मार्क द एप्रोप्रिएट चॉइस। तो सर इसमें भी मेरे को सॉल्ट ही दिख रहे हैं सारे, सर ये सॉल्ट दे रखे हैं, सॉल्ट की आपको करवाओ हाइड्रोलाइसिस, और हाइड्रोलाइसिस करवाने के बाद देखो कि लास्ट में बच क्या रहा है, H प्लस दिखता है इसका मतलब एसिड है, और OH माइनस दिखता है इसका मतलब बेस है ना, और अगर एसिडिक हुआ तो पीएच लेस देन 7 होगा, बेसिक होगा तो पीएच ग्रेटर देन 7 होगा, और न्यूट्रल हुआ तो पीएच 7 होगा। और सर मेरे को कुछ बोला नहीं है तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, क्योंकि पीएच भी 7 उसी के अकॉर्डिंग बात की। तो सर मैं हाइड्रोलिसिस वैसे ही करा, तो जैसे अपन एक प्रीवियस क्वेश्चन में करवा लिया सर, तो सर CH3COONa की बात करूं तो सर जैसे इसका हाइड्रोलिसिस करवाया, तो हाइड्रोलिसिस कराने के बाद एक तो NaOH बनेगा प्लस साथ में CH3COWH बनेगा, तो सर मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ इसके लिए ये वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होगा। सही बात है सर, बिल्कुल सर, बेस स्ट्रॉन्ग है, इसका मतलब पीएच 7 से ज्यादा है, पीएच 7 से ज्यादा है, और बेसिक सॉल्यूशन होना चाहिए, अल्कलाइन सॉल्यूशन होना चाहिए, तो A का थर्ड आएगा सर। तो सर A का मैं ये बोल दूं, A का अपने पास थर्ड मिलना चाहिए। और सर अगर अब अगर आपने, मैंने पहले भी एक बार बोला था कि आप ऑप्शन को ध्यान में रखें, आप अगर आपने यहाँ तक ही सॉल्व किया है और फर्स्ट ऑप्शन को ही देख ले
तो ए का थर्ड जहां मिल रहा है वो राइट हो गया। तो सर इसका मतलब फर्स्ट भी रॉन्ग हो गया, सेकंड रॉन्ग है, फोर्थ रॉन्ग है सर। तो सर आप ये कह रहे हो कि पूरा करके टाइम खराब नहीं करना, मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं मैं। थोड़ा तो चलो सर अपन तो पूरा डिस्कस कर लेंगे, लेकिन बच्चों को इस चीज का ध्यान रखना है कि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपने पहला अगर ऑप्शन सही पकड़ लिया तो बाकी के ऑप्शन तो चेक करने की जरूरत, टाइम बच जाएगा थोड़ा सा, अपन को वही बात पैनी नजर रखनी पड़ेगी। सर मैं ये कहना चाह रहा हूं 45 मिनट में आप कहते हो ना, अगर 45 मिनट में अगर 45 क्वेश्चन करते हैं तो ये क्वेश्चन जैसे अगर आ गया वहां पे तो एक मिनट भी नहीं लगना है। और सर ऐसे क्वेश्चन आते हैं और आएगा सर, 100% आता है। चले सर आगे, सर NH4Cl की बात करें तो सर यहाँ पे ये दिख रहा है ये NH4OH और HCl प्लस होगा। HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है तो pH जो आएगी वो 7 से कम आएगी और सॉल्यूशन एसिडिक होगा, तो सर इसका मतलब सेकंड आएगा C का, सर सेकंड हो जाएगा, सही बात है सर। इसके बाद NaNO3 की बात करें तो सर इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस आ गया, बिल्कुल सर, क्योंकि NaOH स्ट्रॉन्ग बेस, HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, तो सर न्यूट्रल बनेगा, सर न्यूट्रल बनेगा तो इसका मतलब pH 7 आएगी, C का 4th हो जाएगा, बिल्कुल सर। और सर इधर बात करें CH3CONH4 तो सर ये वीक एसिड वीक बेस हो गया, सर वीक एसिड वीक बेस का जब भी सॉल्ट बनता है तो वो उसकी पीएच या फिर उसका सॉल्यूशन का जो नेचर है वो डिपेंड करता है कि कौन सा वीक है, तो ज्यादा वीक है सर, मैं या ऐसा बोलू तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ पीके या पीके भी क्या उनके, सर कुल मिला के ये कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड भी नहीं करेगा, कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में जहां तक मेरे को इसके पीएच का फॉर्मूला सर ध्यान आ रहा है तो वीक एसिड वीक बेस के लिए सर हम ये फॉर्मूला लिखते थे जो इंपॉर्टेंट भी हो जाता है अपने लिए, पीएच इज इक्वल टू 7 + 1/2 pKa - 1/2 pKb, सही बात है सर, सही। तो सर यहाँ से अपन को पता लग रहा है कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगा, कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड भी नहीं करेगा और के kb के ऊपर डिपेंड करेगा और ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 7 के आसपास ही है, 7 के आसपास, तो ऑलमोस्ट न्यूट्रल बोला है, पीएच ग्रेटर देन और लेस देन 7 तो इसका मतलब फोर्थ फर्स्ट आंसर हो सकता है इसका, तो सर इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट रहेगा, बाकी थर्ड ऑप्शन सर, अच्छा सॉरी अभी अपने चेक किया ए का थर्ड था, ए का थर्ड था, बिल्कुल बिल्कुल, तो सर इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट रहेगा, बिल्कुल सर। चले सर आगे नेक्स्ट देखते हैं अपन, द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ AgCl इज 1.8 × 10⁻¹⁰ प्रेसिपिटेशन ऑफ AgCl विल अकर बाय मिक्सिंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन आर मिक्स्ड इन इक्वल वॉल्यूम। सर वैसा ही आ गया जैसा अपन पहले डिस्कस करके आए थे, सर KIP ज्यादा होगा KSP से, उस कंडीशन में प्रेसिपिटेट आएगा, फर्स्ट ऑफ चीज तो ये समझ में आ रही। तो सर दूसरी बात, हमारे को यहाँ पे सैचुरेटेड कंडीशन के अलावा आयंस की कंसंट्रेशन दी है, सर कंसंट्रेशन दी है प्लस ये बोला इक्वल वॉल्यूम है, इक्वल वॉल्यूम बोला है तो कंसंट्रेशन हाफ हाफ होती जाएगी। तो सर मैं ये भी बोल दूं AgCl जो है वो AB टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है, बिल्कुल KSP जो आएगा S स्क्वायर के बराबर आएगा जो Ag प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन और Cl माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन का मल्टीप्लिकेशन हो, बिल्कुल सर सही बात है सर। तो सर अब अपन इसको या तो पूरा सॉल्व करें या डायरेक्ट चेक कर ले, सर डायरेक्ट अगर आप पावर चेक कर ले तो अपन को मालूम चल जाएगा, जैसे फर्स्ट वाला ऑप्शन है तो Ag प्लस 10⁻⁸ है, Cl माइनस 10⁻⁸ है, तो KIP जो आएगा फर्स्ट वाले केस में वो 10⁻⁴ - 16 आएगा, एप्रोक्सीमेट बोल रहा हूँ सर, एप्रोक्सीमेट की बात कर रहे हैं क्योंकि ऑप्शंस में यहाँ पे डिफरेंस है सर, ऐसे तो अभी तो KSP से ज्यादा नहीं हुआ ये, क्योंकि अपना KSP जो दे रखा है पावर्स में बात करो 10⁻⁻ अपन को पावर 10⁻⁰ से कम आनी चाहिए, मतलब -9 - 8 ऐसे प्रेसिपिटेशन स्टार्ट होगा तभी होगा। सेकंड वाले ऑप्शन में 10⁻³ है, मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ करोगे तो 10⁻⁶ आ गई, तो सर यही आंसर तो यही आएगा सर। सर आगे थर्ड फोर्थ भी एक बार चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं, बाकी आंसर तो ये बन गया है सर, ये -6 और -6 तो इसका सर 10⁻¹² आएगा, इधर -10 - 10 का मतलब 10⁻²-20 होगा, तो सर ये ऑटोमेटिकली दिख ही रहा है फर्स्ट आंसर सेकंड आएगा, रॉन्ग हो गया है, बिल्कुल सेकंड करेक्ट है, सिंपल सा ये फॉर्मूला आपको ध्यान, बिल्कुल। चलिए सर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 11, द पीएच ऑफ विच सॉल्ट इज इंडिपेंडेंट। सर ऐसा अभी अपन ने क्वेश्चन नंबर 9 में भी बात किया था कि जो अपना वीक एसिड वीक बेस वाला सॉल्ट होता है वो अपना कॉन्सेंट्रेशन से इंडिपेंडेंट, बिल्कुल होगा सर। तो सर अपन यदि वीक एसिड वीक बेस वाले सॉल्ट की बात करें, जैसा पीएच अभी अपन लिख के आए थे, पीएच हो जाता है 7 + 1/2 pKa - 1/2 pKb, सही बात है सर। तो सर ये वाला हमारा कॉन्सेंट्रेशन से क्या होगा, इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट। तो सर इनका सबका अपन को वही हाइड्रोलिसिस करके चेक करना पड़ेगा क्या हो रहा है, बिल्कुल सही सर। तो सर इसमें मेरे को जहां तक दिख रहा है CH3COOH और ये अपना वीक एसिड वीक बेस हो गया, तो सर फिर से अपन वही अप्रोच करें तो फर्स्ट तो होना चाहिए, तो इसका मतलब ये थर्ड ऑप्शन तो गया सर सही बात है सर। यहाँ पे अपन फिर देखें NaH2PO4, तो सर यहाँ पे NaOH स्ट्रॉन्ग बेस आ गया, सही है सर। तो सर स्ट्रॉन्ग बेस तो अपन को चाहिए ही नहीं, इसका मतलब सेकंड तो होना ही नहीं चाहिए, सही है सर। तो सर सेकंड को हटा दूं मैं, बिल्कुल।
तो सर सेकंड को हटा दिया तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी अपना गया और वो ऑप्शन भी अपना गया। सही है। तो सर अपना इसका मतलब डायरेक्टली अपन बात करें तो अपना सर सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। सही है। तो सर अपन सारे सॉल्ट नहीं चेक करें तो डायरेक्ट भी अपन बता सकते हैं और वैसे आप चेक भी कर सकते हो। सर इसके लिए अपन बात करें तो ये अपना स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस हो जाएगा ये अपना और ये हो जाएगा सर वीक एसिड वीक बेस का। तो सर यहाँ से अपन को पता लग गया है कि अपना ऑप्शन टू करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल। चले सर आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कैलकुलेट पीएच डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस एंड हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट फॉर CH3CWONH4। तो सर ये अगेन कैसा सॉल्ट है सर? ये वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट है सर। तो सर वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट है और सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के अकॉर्डिंग अपन ने अभी पीएच का फॉर्मूला लिख लिया था। बिल्कुल सर। तो सर पहले मैं इनके पीएच और इनके फॉर्मूला लिख पीएच कैलकुलेट कर लो आप। तो सर पीएच का मैं सिंपल फॉर्मूला बोल दूं 7+ ½ pKa - ½ pKb। करेक्ट बात है क्या सर? सही है सर। तो सर यहां से मैं बात करूं pKa तो सर ka अपन को 10^-6 दिया है pKa 6 हो जाएगा। तो 6 हो जाएगा तो सर 6/2 लिख दूं और सर pKb 5 आ जाएगा। 5 आ जाएगा तो 5/2। तो सर यहाँ से बात करें 7+3 - 2.5 आएगा तो 7.5 हो जाएगा। सर तो एक से ही बन जाएगा। बिल्कुल सर पीएच 7 से ज्यादा आ रही है। बिल्कुल सर। तो सर 7 से ज्यादा आ रही। अच्छा डायरेक्टली अपन को मिल गया 7.5 एक ही ऑप्शन है सर। ठीक है तो सर बाकी भी आप चेक करना है अपन को। बिल्कुल सर जल अपघटन की जो मात्रा आएगी सर इसके अंदर वो स्मॉल एच की बात कर रहा है। बिल्कुल। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा हिंदू CH3CONH4 को अगर सर जब अपन हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो ये वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट है तो इसमें कैटाइन और एनाइन दोनों पार्ट का हाइड्रोलाइसिस होगा और दोनों पार्ट का हाइड्रोलाइसिस होगा तो बनेगा CH3COH + NH4OH। अगर ऐसा हुआ तो कैटाइन और एनाइन जब दोनों का हाइड्रोलाइसिस करवाना है तो मेरे को ऐसा लिख देना चाहिए ये हाइड्रोलाइसिस हो गया। बिल्कुल सही बात है सर। अब इसकी कंसंट्रेशन भी सी होगी इसकी सी होगी। स्टार्टिंग में ये जीरो है ये जीरो है। अगर हाइड्रोलाइसिस का अमाउंट एच है तो C-CH होना चाहिए। सर ये वही तरीके से कर रहा है अपन जो अभी बिल्कुल सर अल्फा वाले करता है जैसे CH हो गया। मैंने आपको उस समय भी बताया था सर कि AB टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है तो K बराबर C अल्फा स्क्वायर आया था अपना फार्मूला। तो मैंने कहा था ये फार्मूला हर जगह एप्लीकेबल होगा अल्फा की जगह कभी H भी आ जाएगा। बिल्कुल सही। अब अगर इसका KH लिखते हो सर अगर इसका KH लिखते हो तो ये हो जाएगा CH × CH / C-CH × C-CH ये आएगा। तो इसका C से C कैंसिल हो गया H² / 1 - H² अगर H वेरी वेरी लेस देन अगर 1 हुआ तो उस कंडीशन में KH जो होगा वो H² आएगा और H बराबर √KH होगा। तो सर ये वही बात हो गई कि जैसे ही अपन ने जो अल्फा बोलते थे अपन कि अल्फा यदि 10% के लेस देन आ रहा तब नेगलिजिबल मान लिया जाएगा तभी। लेकिन वो मेरे को ऐसा लग रहा है कि ऑप्शन देखिए अगर अपन जल अपघटन की मात्रा परसेंटेज में देखोगे 2 या 3% है तो सर नेगलिजिबल मानना ही पड़ेगा। तो सर KH = H² अब KH कैलकुलेट करना पड़ेगा सर। तो सर KH का तो डायरेक्टली फार्मूला जब अपन ने सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में पढ़ा था तो वहां पे अपन पूरा डेरिवेशन का भी टाइम नहीं KW/KB लिख सकते हैं। तो सर यहां से ये तो 10^-14 हो जाएगा। K दे रखा 10^-6 और KB दे रखा 10^-5। तो सर यहां से मैं बात करूं -3 आ जाएगा सर। ये 10^-3 आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है सर। तो सर 10^-3 KH आ गया तो वो भी अब ऑप्शन में या तो यहीं बैठेगा या यहीं बैठेगा। तो सर अपना PA से वैसे तो आंसर आ ही चुका है। अब अपने पास सर जो निकालना है डिग्री H कैलकुलेट करना तो √KH हो जाएगा। तो √KH होगा तो KH है 10^-3। अब -3 तो सर मैं बाहर लेके आ नहीं सकता हूँ तो ये काम करें 10 × 10^-4 लिख दो। बिल्कुल सही। तो इसका तो आ जाएगा 3 अप्रोक्सीमेट और इसका आएगा 10^-2.03 हो जाएगा सर अप्रोक्सीमेट। सर एग्जैक्टली आंसर अपने पास आ रहा है फर्स्ट ऑप्शन अपना करेक्ट होगा। एक सर यहाँ पे थोड़ा और ये बात कर लेता आपने जो लिखा ना KH = KW/KA × KB तो ये जो है वो अगर जिस दो एक फिक्स फॉर्मूला हो जाएगा सर यहाँ पे मेरे हिसाब से कि KH जो होता है रफ करूं सर इसको। हाँ सर अगर मैं एक बात बोलूं तो KH जो होता है कभी भी हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट वो फिक्स होता है KW/जो भी वीक कंपोनेंट है वो लिख दो सर आप। तो बिल्कुल सही बात है सर। अगर जैसे कोई वीक है ही नहीं तो कुछ भी मत लिखो। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट हुआ तो कोई भी वीक नहीं है तो सीधा KH KW के बराबर हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है सर। अगर वीक एसिड हुआ स्ट्रॉन्ग बेस हुआ तो एसिड वीक है तो इसका मतलब KH जो होगा जो वीक होगा उसका कंपोनेंट लिख दे। बिल्कुल सही बात है सर। अभी आपने जो लिखा था वो वीक एसिड वीक बेस का था तो दोनों कंपोनेंट वीक थे इसलिए अपन ने KH KB ये जनरलाइज्ड फार्मूला हो गया। बिल्कुल सही बात है सर।
चले सर आगे, इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, ये अपन चेक कर चुके हैं सर। इसके बाद क्वेश्चन 13 की बात कर रहे हैं, कंसीडर वही हो गया सर कि कंसीडर द फॉलोइंग सॉल्ट्स, हाउ मेनी सॉल्ट व्हेन डिसॉल्व इन वाटर विल प्रोड्यूस एन एसिडिक सॉल्यूशन। एसिडिक सॉल्यूशन का मतलब जिसको वाटर में सॉल्व करने पर H प्लस आयन दिखे या फिर पीएच 7 से कम दिखे, इसका मतलब एसिड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। बिल्कुल सही, सही है सर। तो सर चेक करें इसको। बिल्कुल सर। तो सर NH4Cl को चेक करूं मैं, तो यहाँ पे सर ये अपन को पता लग गया स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस है। बिल्कुल, HCl प्लस NH4OH का बना हुआ, तो सर ये एसिडिक सॉल्यूशन देगा, ये देगा सर अपना। हाँ सर। इसके बाद NaCN की बात करें, तो NaCN की बात करें एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, क्योंकि ये NaOH प्लस HCN होगा, HCN वीक एसिड है, तो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, तो सर ये एसिडिक नहीं देगा, तो सर इसको हटा दूं मैं। बिल्कुल सर। AlCl3 की बात करूं सर, AlOH ऑल्थराइज प्लस HCl से बना हुआ है, इसका मतलब वीक बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो सर ये फिर वही बात आ गई, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, तो ये भी एसिडिक सॉल्यूशन देगा। सही है सर। सर ये अपना पोटाश है ना, फिटकरी की जो बात कर रहे हैं अपन। बिल्कुल सर। तो सर ये भी यहाँ पे Al दिख रहा है, एल्युमिनियम दिख रहा है, इसलिए स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का होगा, तो सर ये भी एसिडिक सॉल्यूशन देगा। सर ZnOHCl के लिए क्या कहते हो? ये सर ZnOH ऑल्टवाइज प्लस HCl की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से बना था, तो सर कुल मिला के यहाँ भी एसिड स्ट्रॉन्ग हो गया। बिल्कुल। तो सर ये भी एसिडिक सॉल्यूशन देगा। सही है सर। इनको देखते हैं, देखिए क्या कर रहे हैं सर। KHSO4 में कि एक KOH प्लस H2SO4 से तो बना हुआ है, अब है तो यहाँ पे दोनों स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग एसिड भी है, स्ट्रॉन्ग बेस भी। अब बताओ सर कैसे करें। सर यहाँ पे अपन बात करें तो यहाँ पे सर H2SO4 टू टाइम्स एसिड आ रहा है, यदि अपन थोड़ा सा देखें तो सर एसिड का थोड़ा सा ज्यादा रहेगा जब तक अपन को डेटास नहीं दिए हुए। बिल्कुल। तो सर कीजिए सर, इधर लादा लो, इधर ये हो जाएगा, ये तो पीएच 7 का स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है, रॉन्ग हो जाएगा सर। कॉपर हाइड्रोक्साइड प्लस H2SO4 से बना हुआ है, कॉपर हाइड्रोक्साइड वीक बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड से बना हुआ, तो ये भी होगा क्योंकि H2SO4 है। बिल्कुल सही बात है सर। ये बना हुआ है AlOH ऑल्थराइज्ड प्लस HCl प्लस HBr प्लस HI से। सर सारे स्ट्रॉन्ग है, सारे स्ट्रॉन्ग है, बिल्कुल सही बात है सर। और सर यहाँ पे ये बात कर ली अपन ने NaCO3 NaOH प्लस H2CO3 से बना हुआ है, स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक एसिड है, तो ये नहीं होगा। तो सर यहाँ पे काउंट कर ले, देखिए कितने हो रहे हैं, 4 उधर हो रहे हैं, 3 इधर हो रहे हैं, 7 हो जाएगा सर। तो सर 7 टोटल नंबर ऑफ सॉल्ट, तो इधर सर 7 आ जाएगा। सही। तो सर इसका ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाना चाहिए। हाँ चलिए सर आगे। तो सॉल्ट के काफी क्वेश्चन हाइड्रोलिसिस वाले अपन ने चेक कर लिए, इसी टाइप के क्वेश्चन आते भी हैं। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है पीएच ऑफ 0.5 MbACN2 सॉल्यूशन, इसके लिए अपन को सर क्या पीएच कैलकुलेट करना है, BaCN2 सॉल्यूशन दिया। बिल्कुल सर। ये देखो सर, एक तो ठीक है फॉर्मूला तो अपने पास है ही है, अपन इस बार थोड़ा सा फॉर्मूले से बियॉन्ड सोचते हैं कि अगर मेरे को फॉर्मूला याद ही नहीं है, जैसे तो बेरियम साइनाइड दे रखा है, ये सॉल्ट है तो पहले हाइड्रोलाइसिस तो करवाना पड़ेगा सर, विदाउट हाइड्रोलाइसिस तो बात ही नहीं होगी, और ये बना हुआ इससे सर बेरियम हाइड्रोक्साइड बिल्कुल प्लस HCN से बना हुआ है, तो सर मतलब बेस स्ट्रॉन्ग हो गया है, एसिड वीक हो गया है। जो स्ट्रॉन्ग पार्ट होता है उसका कभी भी हाइड्रोलाइसिस नहीं होता है, जो वीक पार्ट होता है उसका होता है, इसका मतलब सर साइनाइड का होगा। जब साइनाइड का हाइड्रोलाइसिस करवाओगे तो साइनाइड का हाइड्रोलाइसिस करवाने पर आपको मिलेगा HCN प्लस OH माइनस की आयन की कंसंट्रेशन। तो सर यहाँ पे OH माइनस मिल गया, वैसे अब OH माइनस मिल गया ना सर, तो एक तो पहली बात तो सॉल्यूशन बेसिक होगा, तो पीएच 7 से ज्यादा आएगी। बिल्कुल सही बात, ठीक है। सेकंड ऑफ थिंग में अगर बोलूं कि OH माइनस अगर मैं कैलकुलेट कर लेता हूं तो POH हो जाएगी, और POH आ जाएगी तो 14 माइनस POH कर लूंगा तो pH आ जाएगी। बिल्कुल सही बात है सर। अब सर साइनाइड माइनस की कंसंट्रेशन चाहिए, मैंने जैसे मान लिया सर ये C अभी के लिए, ये जीरो होगा, ये जीरो होगा, डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस अगर H है तो C माइनस CH, ये होगा CH और ये होगा CH सर। बिल्कुल सही, यही बात है। तो मैं ऐसा बोल दूं सर कि OH माइनस आयन जो होगा वो CH के बराबर होगा। सही बात है। अगर डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस सर अगर इसकी कम हुई तो अपन पहले भी बात कर चुके हैं किसी भी आयन की कंसेंट्रेशन सी अल्फा के बराबर होता है, और वो सी अल्फा जो है वो के इंटू सी के बराबर होता है। तो यहाँ पे मैं ऐसा बोल दूं सर रूट के एच इंटू सी के बराबर होगा। सही बात है सर। अभी अपन ने बात बोला था के एच जो होता है वो होता है के डब्ल्यू अपॉन वीक, वीक एसिड है तो के डब्ल्यू अपॉन के इंटू हो जाएगा सी के बराबर। बिल्कुल सही बात। अगर ऐसा हुआ तो ओ एच माइनस आयन जो होगा वो आएगा के डब्ल्यू, के डब्ल्यू 10^-14 है, अपॉन के दे रखा है सर, के नहीं दे रखा है इस बार सर, इसका एंटी लॉग लेना पड़ेगा। एंटी लॉग ले लो आप। तो सर इसका एंटी लॉग लूं तो सर मेरे को यदि पीके दे रखा है और के निकालना है तो सिंपल फॉर्मूला माइनस लॉग के, या सर मैं सिंपल यहां पे बोल सकता हूं के के लिए कि 10^-9.30 है। हां तो या मैं बोल दूं कि ये एंटी लॉग है, एंटी लॉग -9.30। सही। और सर इसका फॉर्मूला होता है कि जो पॉइंट के बाद वाली है
उसको तो सर 1 माइनस कर लें अपन, बिल्कुल सर। तो 1 माइनस 0.3 बेटा, जब यदि एंटीलॉग नेगेटिव में आता है तो पॉइंट के बाद वाली डिजिट को 1 में से माइनस कर देते हैं, इनटू 10 टू पावर माइनस जो पॉइंट से पहले वाली को है उसको एक इंक्रीज करके लिख देते हैं 9+1। सही बात है सर? सही सर। तो सर यहां से अपन बात करें तो यह आएगा अपने पास एंटीलॉग 0.7 इनटू 10 टू पावर माइनस 10। सही बात है सर? अब ये आ गया, तो अब 0.70 की वैल्यू चाहिए, 5 की वैल्यू होती है सर, तो सर लगभग क्योंकि log 5.6990 होता है, तो सर इसके अकॉर्डिंग मैं बोल सकता हूं अराउंड ये 5 into 10 to power minus 10 हो जाएगा। सर अपन ने ये आयोनिक इक्विलिब्रियम फर्स्ट में क्वेश्चन किया था कि pH दे रखी थी और H+ ion कैलकुलेट कर रहा था। सही बात है सर, ये तो ठीक है, आपने मेथड से बताया, अपन इसको ऐसे भी कर सकते थे सर, ये अगर सीधा दे रखा है, अगर pK दे रखा है और kA कैलकुलेट करना है, या pH दे रखा है H+ ion कैलकुलेट करना है, तो जो दे रखा होता ना, जैसे डिजिट दे रखा 9 का, तो वो 10 की पावर में 1 बढ़ा के बोलो नेगेटिव में, बिल्कुल सही बात। तो ये 10 की पावर माइनस 10 हो गया सीधा। अब 10 की पावर माइनस 10 हो गया, तो एक बात सोचो सर, अगर मैं इसका वापस पीके लेता तो माइनस का 10 आ जाता, मतलब 10 आ जाता ये, बिल्कुल सही। अब मेरे को लाना कितना सर, 0.3 लाना, 9.3, इसका मतलब 0.7 माइनस करना है, तो log 5 की वैल्यू है, तो वो सीधा log 5 की वैल्यू यहाँ पे लिख दे। तो बेटा ये डायरेक्ट ट्रिक आप तभी करें जब पहले आपको ये लॉग आइडिया ध्यान हो, नहीं तो बेटा ये यहाँ पे धोखा खा सकते हैं। ठीक है, 9 दे रखा है तो एक पावर बढ़ा के बोले 10 की पावर माइनस 10 हो जाएगा। अब आप सोचो कितना कम करना है, 10 की पावर 10 में से कितना कम करना है, तो अपन को मालूम चला 0.7 कम करना है, 0.7 लॉग में 5 की वैल्यू होती है। ठीक है सर, तो ये हो गया सर 5 × 10⁻⁰⁰ और जो बात मैं पहले बोल रहा था सर कि कंसंट्रेशन सी, इस बार साइनाइड माइनस की कंसंट्रेशन क्या होगी सर, 0.5 ही होगी क्या? नहीं सर, 2 times हो जाएगी ना, 2 times होगी, बिल्कुल, क्योंकि साइनाइड बेरियम साइनाइड में से साइनाइड डबल मिलेगा, तो 0.5 का डबल हो जाएगा 1, ये हो जाएगा सर। अगर ये हुआ तो ये हो जाएगा अपने पास 0.2 × 10⁻⁴ हो जाएगा सर, बिल्कुल सही बात। ठीक है, अब इसका अगर स्क्वायर रूट नहीं ले सकते सर, तो मैं इसको अप्रोक्सीमेट 2 बनाऊंगा, तो 10⁻⁵ बन जाएगा, 20 × 10⁻⁶ लिख देता हूं, बिल्कुल सही बात। अगर ये लिखा है सर, तो OH माइनस जो आयन आएगा वो आएगा 10⁻³ और अप्रोक्सीमेट यहाँ पे 4.5 के आसपास आएगा, बिल्कुल सही सर। 4.6 भी आया तो भी मेरे को कोई इश्यू नहीं है यहाँ पे, क्योंकि इतने पॉइंट पे कोई पॉइंट में ज्यादा दिक्कत नहीं है। ये तो OH माइनस की आ गई सर, अब OH माइनस की कंसंट्रेशन आ गई, तो सर POH कैसे आ जाएगी इसकी? सर सिंपल 3 − log 4.5, तो 3 − log 4 अगर अपन 5 करे तो log 4.5 अप्रोक्सीमेट जो आएगा वो 0.65 के आसपास आ जाएगा सर, क्योंकि सर log 4.60 होता है, log 5.70 होता है। ठीक है सर, ये अगर आ गया तो ये आएगा 2.35, ये तो POA चाहिए। हाँ, क्योंकि सर यहाँ पे अपन को याद रखना है ये बेस स्ट्रोंग, ये OH माइनस लिखा है सर, बिल्कुल सही बात। तो ये POH अगर 2.35 आई है तो pH हो जाएगी 14 − 2.35, तो ये आ जाएगा 11.65। तो बेटा एक तो ये तरीका है जब आपको फॉर्मूला याद नहीं है, अगर याद नहीं है तब तो, और यदि सर अपन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यदि बात करें तो सर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपन क्या कह सकते हैं, पर इसको रफ कर लेते हैं, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सर, बिकॉज यहाँ पे अपन को ये पता लग गया है कि इसमें स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक एसिड है, तो मैं डायरेक्ट इसका फॉर्मूला लगा सकता हूँ, pH = 7 + 1/2 pKa + 1/2 log C। सर यहाँ पे C जो है वो 1 हो जाएगा, सही बात है क्या सर? हाँ, 0.5 × 2, ये कंसंट्रेशन ऑफ जिसका हाइड्रोलाइसिस हो रहा है उस सॉल्ट के लिए, बिल्कुल। और सर यहाँ पे C 1 हो जाएगा तो log 1 0 होता है, तो ये पार्ट हटा दो, हाँ ये पार्ट हटा दिया, तो सर सिंपल मैं 7 + 1/2 pKa की वैल्यू दी है 9.30, तो यहाँ से सिंपल निकालेंगे अपन तो डायरेक्टली अपन को ये आंसर भी मिल जाएगा, बिल्कुल। लेकिन ये शॉर्ट बेटा तभी हो पाएगा जब आपको फॉर्मूला याद हो, नहीं तो फिर आपको जो अभी सर ने बताया उस पूरे मेथड पे जाना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात बेटा? चलो सर आगे, बिल्कुल सर। तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन की देखिए बात करते हैं अपन लोग, अ वीक एसिड HX हैज द डिसोसिएशन कांस्टेंट। सर वीक एसिड दे रखा है, डिसोसिएशन कांस्टेंट मतलब सर एक Ka की बात कर रहा है, बिल्कुल। इट फॉर्म्स अ सॉल्ट NaX, इसका मतलब NaOH के साथ रिएक्शन करवाई गई है, NaOH के साथ, तो सर इसका मतलब मैं बोल सकता हूं वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की बात हो रही है अभी तक सॉल्ट की। द परसेंटेज हाइड्रोलिसिस ऑफ 0.1 m सॉल्यूशन ऑफ NaX इज, सर मतलब ये स्मॉल एच की बात कर रहा है, सर स्मॉल एच की बात कर रहा है, मैंने चारों ऑप्शन देख लिए सर, चारों ऑप्शन में परसेंटेज जो है वो कहीं पे भी 10 से ज्यादा नहीं दिया है, बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब KH बराबर CH स्क्वायर लग जाएगा सीधा सर, KH बराबर CH स्क्वायर लगेगा, तो सर यहाँ पे अपन बोल सकते हैं KH इज इक्वल टू CH स्क्वायर, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि K बराबर जो C alpha स्क्वायर होता है वही फॉर्मूला लग रहा है सर, बिल्कुल सही बात है। और सर H अपन बात कर रहे हैं √KH / C,
KH बाई सी आया रूट में, KH की वैल्यू सर डायरेक्ट नहीं है, KW अपॉन वीक जो होगा, जो अभी आपने बताया था यहाँ पे, आज अपने पास जो वीक है वो वीक सॉरी एसिड है सर, ये अगर मैं KH लिखूं तो KH हो जाएगा सर KW अपॉन K, KW अपॉन K हो जाएगा तो KW 10^-14 है और K जो दे रहा है वो 10^-5 है तो KH हो जाएगा 10^-9। तो सर ये 10^-9 यहाँ पे पुट करूं मैं और ये 0.1 दे रखा है, 0.1 मतलब 10^-1 पुट कर लूं सर, 10^-8 का स्क्वायर रूट बाहर निकालोगे तो 10^-4 आ जाएगा, और सर परसेंटेज की बात करो तो 100 का मल्टीप्लाई कर दो तो 10^-2, तो सर इधर बात करो 10^-4 into 100 तो ये आएगा 10^-2% मतलब 0.01% आ जाएगा सर, सेकंड आंसर हो जाएगा, तो सर इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट, बिल्कुल चले सर आगे, चले सर नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है सर विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बफर सॉल्यूशन, सर ये अभी आपने पूछा सर, मैं इस क्वेश्चन से यही कहना चाह रहा हूं कि अगर मेरे को ये मिल जाए कुछ भी, अगर इसमें से पीएच पूछ सकता है, ये पूछ सकता है बफर है या नहीं, सारे क्वेश्चन वो बफर भी तभी मालूम चलेगा सर, मैंने उस वाले क्वेश्चन को यही कहा था, मैंने कहा पहले रिएक्शन कराओ, रिएक्शन होगी तो उसके बाद ही मालूम चलेगा बफर बनता है या नहीं बनता है, तो इसने तो ये सिंपल सा यहाँ पे पूछा भी यही कि बताओ बफर क्या होगा, तो बफर है इसका मतलब सर रिएक्शन तो करवानी पड़ेगी आपको, तो अपन को ये बोला है सर कौन सा बफर बनेगा, तो बफर बनेगा तो फर्स्ट ऑफ थिंग ये मालूम होना चाहिए सर, फर्स्ट ये चीज है ये बफर नहीं बन सकता है क्योंकि एसिड एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, बिल्कुल सही बात है सर, ये तो नहीं बनेगा। अब अपन को चाहिए ये है सर अल्टीमेटली कि वीक एसिड बच जाए प्लस सॉल्ट बन जाए, तो सर टोटल मिला के ये है कि पहली बात तुम्हें कोई दिख रहा है सब में वीक एसिड है तो एसिडिक बफर बनेगा, और दूसरी बात एसिडिक बफर बने तो अपन को वीक एसिड का पार्ट बचना चाहिए तभी जाके वो बफर फॉर्मेशन कर पाएगा, तो सर वीक एसिड के मोल ज्यादा होने चाहिए सर सॉल्ट के कंपैरेटिव, बेस के कंपैरेटिव, हाँ जो भी बेस के जो सॉल्ट बनाएगा, तो सर यहाँ पे अपन बात करें यहाँ पे 50 मिलीमोल हो गया, 50 मिलीमोल ये 50 मिलीमोल है, इसके मिलीमोल भी सर हो जाएंगे 50, तो सर ये तो नहीं बनेगा क्योंकि सही बात है, तो सर ये भी हटा लेते हैं, यहाँ पे सर अपन बात करें तो इसके 100 मिलीमोल आ गए, इधर तो सर अभी भी 50 ही रहेंगे, तो सर इसका मतलब इसमें एसिड बनेगा, इसमें बनेगा, बनेगा सर, थर्ड भी देख लेते हैं, इसमें सर 50 और इधर सर 100 ज्यादा है, ये ज्यादा है तो सामने चलेगा, तो सर सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया, सेकंड ऑप्शन टोटल मिला के अपन को ये बात करनी है कि बफर की बात करें तो एसिडिक बफर है तो वीक एसिड वाला पार्ट बचना चाहिए, बेसिक बफर है तो वीक बेस वाला पार्ट बचना चाहिए जब भी बफर फॉर्मेशन होगा, और ऐसा क्वेश्चन सर पूछा भी जाता है, बिल्कुल सर, चले सर आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है HCl is a weak acid for which Ka this one, NH4OH is a weak base for which Kb is equal to this one, then 1M solution of NH4Cl would be, सर ये वैसा ही हो गया जैसा अभी अपन बात करके आए, weak acid weak base का salt है जिसकी pH Ka और Kb के ऊपर depend करती है, तो सर weak acid weak base के लिए direct formula से बात कर लूँ मैं, बिल्कुल सर सही रहता है उसमें उल्टा, तो सर क्वेश्चन आता भी इसी के ऊपर, हाँ 7+ ½ pKa माइनस हाफ PKB हो गया सर, बिल्कुल, तो सर इधर से PKA और PKB की वैल्यू अपन को निकालनी पड़ेगी, अप्रोक्सीमेटली चेक कर लेते हैं सर, सर अप्रोक्सीमेट कैलकुलेट कर लो, जैसे मैं एक बात बोलूं सर तो इसका PKA जो आएगा वो आएगा 10, हाँ। और इसका PKB जो आएगा वो आएगा 5, हाँ ये बात होगी सर, तो सर यहाँ इसके अकॉर्डिंग अपन बात करें तो सर pH आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली बात करें 7+ ½ pKa, तो सर ये 5 हो गया अराउंड, माइनस हाफ पी के भी ये 2.5 हो गया, तो सर टोटल मिला के मेरे को लग रहा है 7 से ज्यादा ही जा रहा है, बेसिक आने वाला है यदि अपने अप्रोक्सीमेटली भी देखा, बेसिक आया सर, बेसिक की बात करें तो बेसिक एक ही है सर, एक ही ऑप्शन है, बाकी तो 3 से डायरेक्टली क्रॉस हो गए, यदि बेटा यदि क्लोज ऑप्शन है तो फिर आप उसको प्रॉपर कैलकुलेशन में भी चेक कर सकते हैं, यदि पीएच की वैल्यू देके बात कर रहा है, पीएच की वैल्यू पूछी नहीं अपन को, आइडिया बताना पीएच 7 से ज्यादा होगी या कम होगी, चले सर आगे, बिल्कुल चले सर, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है आपको If pH of saturated solution of BaOH twice is 12, then value of KSP. तो सर यहाँ पे मैं बात करूँ, इसकी मुझे pH 12 दी है, तो सर मैं ये बोल दूँ इसकी pOH जो होगी वो 2 हो जाएगी सर? बिल्कुल सर। और pOH 2 होगी, तो सर इसकी OH minus ion concentration m की power minus 2 हो जाएगा। m हो जाएगी, सही बात है सर। सर ये strong base है, strong base है तो अपन को पता है इसके लिए alpha 1 हो जाएगा सर? सही है। सर BaOH के ट्वाइस से बात करूं मैं, थोड़ा सा इसको मैं ब्रेक करके देखूं तो सर ये ऐसा आ जाएगा Ba प्लस 2 प्लस 2OH माइनस, बिल्कुल सर वही सी जीरो जीरो सी माइनस सी अल्फा सी अल्फा, इधर सर 2C अल्फा आएगा, सही है क्योंकि सर यहाँ पे स्ट्राइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है, अल्फा सर 1 है, तो मैं अल्टीमेटली ये बोल दूं कि OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन जो है वो 2C के इक्वल है, बिल्कुल, और वो सर अपने पास आई है 10^-2 आई है, सही बात है,
तो यहाँ से कॉन्सेंट्रेशन सर अपने पास आ गया 10^-2 upon 2। सही बात है क्या सर? बिल्कुल। अब सर मैं ये बात करूं BaOH का ट्वाइस, सर ये आपका Ab2 टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है, इसका Ksp4s³ हो जाएगा। हाँ, तो सर Ab2 के लिए अपन बोल सकते हैं Ksp4s³ होगा, और सर हमको निकालना क्या है यहाँ पे, Ksp निकालना है, तो 4s सर इसके इक्वल ही आ जाएगी कॉन्सेंट्रेशन। तो सर अपन ये बात कर ली 10^-2 upon 2 का³। सही बात है। तो सर यहाँ से ये 4, ये 10^-6, ये 8। तो सर यहाँ पे ये आ गया 2 times गया, तो 0.5 × 10^-6 बोल दो, या 5 × 10^-7 बोल दो। सही बात है क्या सर? सही। तो सर इसके अकॉर्डिंग आंसर कौन सा बनना चाहिए अपना? इसके अकॉर्डिंग आंसर फोर्थ बनेगा, फोर्थ बनना चाहिए। तो सर सिंपल सा ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन सर 2-3 times रिपीट हुआ आ चुका है। तो ये कभी BaOH ट्वाइस दे देता है, कभी CaOH ट्वाइस दे देता है, डेटा कुछ कुछ ऐसा रखता है। दो क्वेश्चन बनेंगे सर, या तो पीएच दे रखा होगा Ksp पूछेगा, या Ksp देगा पीएच पूछा जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन का पैटर्न जो आपको समझा है वो ध्यान रखें, गलती होने के चांसेस यहाँ पे जरूर ध्यान रखें। 2 times होगा क्योंकि हमने स्ट्राइकियोमेट्री से देखा है यहाँ पे 2 है। यदि सिंपल सिंगल लेके चलोगे तो ऐसा एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा। चले सर आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सर फिर से वही बात आ गई बफर की जो अपन ने बात की है। बिल्कुल सर। बफर में हमको पता है एक वीक होना चाहिए और उसका साथ में सॉल्ट बने और वीक वाला पार्ट रिमेनिंग रह जाए। बिल्कुल सर। तो सर फर्स्ट के बारे में अपन सोचेंगे अभी, लेकिन मेरे को ये बात तो कन्फर्म मालूम चल गई, जैसे अगर मेरे को आइडिया भी नहीं हो फर्स्ट के बारे में, मैं तो एज ए स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, फर्स्ट के बारे में मेरे को आइडिया नहीं है, लेकिन सेकंड और थर्ड तो जो है सर वो एसिड और बेस का मिक्सचर दे रखा है, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का मिक्सचर है। अगर वीक एसिड अगर ज्यादा होगा तो उस कंडीशन में बफर बनेगा ही बनेगा, और वो ज्यादा दे रखा है, और सर दोनों में दे रखा है, 2 और 3 तो होगा ही होगा। सर इसका मतलब ऑल ऑफ दिस गया, ऑल ऑफ दिस होगा। बिल्कुल। अब मेरे को अगर फर्स्ट का आइडिया भी नहीं है तो सर मेरे को आइडिया तो चल गया कि फर्स्ट होगा, लेकिन अब फर्स्ट की रिएक्शन देखे सर, अगर ये CH3CONa ये सोल्ट है, सोल्ट एसिड के साथ रिएक्शन कर सकता है, तो ये बनाएगा CH3COOH+NaCl। बिल्कुल सही बात है सर। अब इसमें उन्होंने दिया है सर ये 1:2 में, इसका मतलब ये 1 mole है, इसका 2 mole है, तो इसका मतलब ये लिमिटिंग रिएजेंट होगा, तो ये लास्ट में 0 बच जाएगा, ये 1 बच जाएगा, ये 1 बन जाएगा, ये बन गया सर वीक एसिड, और ये सॉल्ट है वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस। यही बफर की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि वीक एसिड प्लस सॉल्ट ऑफ वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस बफर होता है, तो ये एसिडिक बफर होंगे तीनों के तीनों। ठीक है सर। तो इसका मतलब सर इसका अपना फर्स्ट भी सही हो जाएगा, तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है आपको pKa ऑफ CH3COOH इज दिस वन, दस बफर रेंज फॉर CH3COOH। सर ये बफर रेंज का जो फॉर्मूला है वो अपन को डायरेक्टली याद होना चाहिए, छोटा सा फॉर्मूला है सर। जब बफर रेंज की बात कर रहे हैं, पीके दे रखा है, तो सर डायरेक्टली इसकी के +-1 होता है, +-1 हो जाता है सर, सिंपल सा फॉर्मूला है। तो सर पीके 4.74 है, तो सर ये 3.74 से 5.74 तक वैल्यू करेगा। सही बात है सर। तो सर इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन सर इसका करेक्ट हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, फॉर्मूला आपको बेटा ध्यान रखना था। चले सर आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन सर दिस वन, What is the H+ ion concentration of known solution containing 0.1 gram mole of CH3CWNH4 in 1 liter of 0.1 m CH3COOH if degree of hydrolysis ammonium acetate की दी है हमारे को 80% Ka दिया है। तो सर इस क्वेश्चन की यदि अपन बात करें तो सिंपल सर मुझे H+ ion concentration की बात कर रहा है, तो पहले मैं एसिटिक एसिड का एक बार सर डिसोसिएशन करके देख लेता हूँ। सर इसका मैंने डिसोसिएशन किया तो CH3CW- और H+ मिलेगा। सही बात है क्या सर? सही है सर। सर इसके लिए मैंने डिसोसिएशन कांस्टेंट के ए लिखा, वो वही बात जो हमने केमिकल इक्विलिब्रियम में देखी थी, प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा सर। सही है सर। यहां से मैं यदि H+ ion कॉन्सेंट्रेशन की बात करूं तो सर वो किसके इक्वल आएगी H+ ion कॉन्सेंट्रेशन, वो आएगी एसिटिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन ये जो एसिटेट आयन आ रहा इसकी। सही बात है सर। सही सर। के मुझे यहाँ पे डायरेक्ट दिया है 1.8 × 10⁻⁵ है। बिल्कुल सही बात है सर। CH3COOH की कॉन्सेंट्रेशन मुझे डायरेक्ट दी है 0.1, ये 0.1 दे दी है सर। अब सर अपन बात कर रहे हैं किसकी, एसीटेट आयन, एसीटेट आयन। तो सर एसीटेट आयन अपन को सर यहाँ से तो मिल ही रहा है, साथ में सर अमोनियम एसीटेट से, अमोनियम एसीटेट से भी मिलेगा, और सर वहां पे जो मिलेगा अपन को CH के इक्वल मिलेगा। बिल्कुल सर, क्योंकि अमोनियम एसीटेट को बेटा अपन जब ब्रेक करेंगे तो ब्रेक करके ये मिलेगा CH3CO- और NH4+, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन वही कॉमन आयन वाला हिसाब किताब हो गया सर, कॉमन आयन की लगी। तो सर ये C00 C- CH, ये CH, ये CH,
सर इसकी कॉन्सेंट्रेशन सी एच के इक्वल आ जाएगी। सही है। तो सर सी एच के इक्वल आ जाएगी, सी दे रखा है 0.1, एच दे रखा है 0.8, तो सर मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ क्या कि सर ये 0.08 आ जाएगा। ये 0.08 इसका मतलब यहाँ पुट कर देना चाहिए सर फिर तो। 0.08 साथ में सर अपनी इसकी भी तो ऐड होगी, इस वाले की ऐड करें सर। सर करनी पड़ेगी ना ऐड इसकी तो, क्योंकि इसका कितना परसेंटेज होगा सर, इसका इधर 80% अपन को दे रखा है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये कॉमन आयन इफेक्ट का क्वेश्चन है, और कॉमन आयन इफेक्ट में वीक इलेक्ट्रोलाइट से आने वाली कंसेंट्रेशन को नहीं लिखा जाएगा। अपन ने पहले भी बोला था कि वीक इलेक्ट्रोलाइट से आने वाली कंसेंट्रेशन को नहीं लिखा जाएगा। तो सर अपन ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ेगा, अपन यही लेके चल चलते हैं। ये दोनों पॉइंट हट जाएंगे, बिल्कुल ये दोनों पॉइंट हट जाएंगे, तो ये हो गया 2, पीछे बच गया 2, तो इसका मतलब हो गया 25 इंटू 10^-5 मोल पर लीटर। तो सर फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट है बेटा। इसमें आपको एक चीज याद रखनी है, ये जो एसीटेट आयन दिया है ये इसलिए दिया है कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन दोनों साइड से आएगी, कॉमन आयन से रिलेटेड क्वेश्चन। बिल्कुल सही है, सही बात है सर। हाँ। तो सर आज अपन ने जो आयनिक सेकंड देखा है, इसमें सर अपन ने सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट, सोल्ट हाइड्रोलिसिस और बफर तीनों को कंप्लीट करके अपन ने आयनिक कंप्लीट कर लिया, आयनिक फर्स्ट और आयनिक सेकंड। बिल्कुल सर, ठीक है। और मेरे अकॉर्डिंग आज वाला जो था वो यहाँ से 100% क्वेश्चन बनेगा इस बार, 100%, क्यों आज तक ऐसे ही क्वेश्चन आए हैं। बिल्कुल। और सॉल्युबिलिटी का तो 2013 से लेके 2020 तक 100% ये क्वेश्चन आया है कि एसपी और एस से रिलेटेड, तो यहाँ से आई होप कि ये क्वेश्चन बने आपके लिए एग्जाम में 2021 में भी। ठीक है, ठीक है सर। तो फिर चलते हैं, आज का अपना इतना हुआ, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे आपके पास गुरु नीति के एपिसोड कंटिन्यूअसली आते रहे। फिर अपन नेक्स्ट अपने जो केमिस्ट्री के 10th वाले पार्ट में उसमें कुछ थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड बात करेंगे। आज के लिए इतना है, ठीक है, थैंक यू।